वो है नमस्ते काल मैं हूँ संकल्प कांस्टिया द मोस्ट अवेटेड द मोस्ट इंपोर्टेंट द मोस्ट डिफिकल्ट या लेंदियर एज द केस चलो सो आवर्स इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल एकदम अच्छा वाला डिटेल एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स वाला रिवीजन मैं करवाने वाला हूं एंड लेट्स स्टे टिल द एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा उसको ब्रेक कर करके देखना अगर टाइम है तो एक साथ बाकी सारी चीजें साइड पर रख दो एन देखना एटलीस्ट दो या तीन बार एग्जाम के पहले ये रिवाइज कर लेना इसके थ्रू थ्रू एंड बी यस अगर आपके पास मैजिक बुक है वेल एंड गुड बिकॉज सारे फॉर्मूलाज फॉर्मेट सब इसमें है यू विल गेट इट एंड अगर नहीं है नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है ऑर्डर इट राइट Now, नहीं करना है वो भी तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसका टेलीग्राम चैनल के ऊपर कहीं पे छोड़ने नहीं वाला मतलब यहां पर तुम लोगों को दिख रहे सारी की सारी चीजें फुल ऑन डिटेल में अच्छी तरह से कवर होने वाली है लाइक like दीडियो

मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरक्स देखो अब है ना इस चैप्टर में बी ऑल नो दैट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मुलाज है एंड उसके कनेक्टेड एग्जाम्पल्स है एक एक चीज में एकदम स्मार्टली आराम से समझाऊंगा ठीक है अपना बुक और पेन लेकर बैठ जाओ सो यू आर ऑल्सो राइटिंग एंड आप लोग को भी एक मोमेंटम आएगा आई नो इट्स रिविजन लेक्चर बैठ मैं बहुत एकदम रशअप नहीं करूंगा I will ensure that we know के इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको सिस्टमैटिकली करें एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रोच इट सो अपन ओपन कर लेते हैं अपना मैजिक बुक अगर आपके पास तो ठीक है नहीं है तो ऑर्डर कर लो वो भी नहीं किया है एंड इन दैट केस पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे uh, टेलीग्राम चैनल से यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देर ना फॉर सबसे पहले कहां पर यूज होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं एंड फिर बाद में

इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन करेंसी इन टू अनदर कहाँ पे यूज होता है इट बी यूज फॉर कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस लोन्स ट्रेडिंग एंड टूरिज्म कभी आप बाहर घूमने को गए आउट ऑफ इंडिया तो फिर भी आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत करेंसी इज ट्रेड अगेंस्ट इच अदर एज एक्सचेंज रेट पेर पेर का मतलब होता है दो में सो so, यानी रुपीज डॉलर दो चीज हो गई दे आर अ पैर पाउंड uh, यूरो दो हो गए दे आर अ पैर सो करेंसी पेयर फॉर द ट्रेडिंग यूएस डॉलर अगेंस्ट आई एन आर तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स के भाई एक पेयर होता है ठीक है ना एक कंट्री का दूसरे कंट्री का एंड दैट्स हाउ द करेंसी वर्क अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करता हूं जैसे आई अपना करेंसी है तो उसके लिए जीबीपी में अगर मेरे को तो उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज एटी टू पॉइंट सिक्स सिक्स अगर इसको मेरे को रीड करना हो फॉरेक्स के टर्म्स में तो 82 टू रिप्रेजेंट द रूपीज तो एक डॉलर खरीदने के लिए या एक डॉलर मेरे पास है मैं बैंक को जाके देता हूं देन इन दैट केस बैंक मेरे को कितना देगा 82 टू रूपीज सिक्सटी पैसे 56 पिप्स एंड पिप्स इज रिप्रेजेंटेड एज ये पिप तो अगर मेरे को टेन पिप्स की बात हो देन इन दैट के जीरो जीरो पिप्स अगर मेरे यहाँ पे दिखता है देन इट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव सिक्स इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड क्लियर एवरी बॉडी सो दिस इज हाउ द करेंसी रिप्रेजेंटेशन वर्क बेसिक था ऑब्वियसली ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है बट एक बोलते हैं ना मोमेंटम अपने को जो चाहिए वो मिल है। main, जी, main कहां से स्टार्ट होता है यहां से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं फॉरेक्स का एक फॉर्मेट जैसे मैंने यहाँ पे अभी तुम लोगों को बताया कि वन डॉलर इज इक्वल टू रूपीज एटी टू पॉइंट सिक्स वन फाइव सिक्स तो कोई भी चीज वन के टर्म्स में रिप्रेजेंट होती है ना उसको बोलते हैं बेस करेंसी एंड के में होती है, है, तो पे हो सकता मैं आपको केस मेरा बेस करेंसी क्या हो गया मेरा बेस करेंसी हो जाएगा रुपीज तो जो भी वन के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड होता है ना दैट इज कॉल्ड एज बेस करेंसी

डॉलर है तो अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो रूपीज वन पॉइंट टू पॉइंट 61.81 पॉइंट के टर्म्स में होना चाहिए था बट यहां पे देखो क्या दिया है करेंसी में यहां पे दिया हुआ है 0.0134 इसका मतलब ये हुआ कि वीक करेंसी बेस में है एक आपको फंडामेंटल थंब रूल बताता हूं कभी मत भूलना इट विल ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल अगर 0.0 के 0.0 टर्म्स में कुछ भी दिया हुआ है इसका मतलब जो वीक करेंसी है ना वो बेस में है एंड अगर uh, 82.25 पॉइंट 13.61.2205 ऐसे टर्म्स में दिया हुआ है ना देन इन दैट केस द करेंसी इज एट द दाइट सो बेस करेंसी क्या होता है वो करेंसी जो वन के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है दैट इज कॉल्ड एज द बेस करेंसी सो इट इज द करेंसी हुज रेट इज कोटेड ठीक है ना तो वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी टू तो डॉलर का रेट कोट किया हुआ है वन रुपीज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री फोर तो रुपीज तो का कोट किया हुआ है इन डॉलर टर्म्स आई वी क्लियर एवरी वन सो इट वेरिएबल करेंसी रेट इन विच बेस करेंसी कोटेड सो मैंने आप लोग को एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल चीज बता दिया है प्लीज इसको ध्यान में रखना एंड इसको कोई भी अप्लाई करो. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल प्लस मैं भी आप लोगों को क्या करवाने वाला हूँ कुछ कुछ चीजें लिखवाते जाऊंगा दैट विल रियली हेल्पफुल टू यू बिकॉज एंड ऑफ द डे रिविजन के लिए आपके पास भी कुछ नोट्स होने चाहिए तो आप भी लिखते जाओ और उतना भी टाइम नहीं है देन इन दैट केस आपके पास टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे यू कैन रिफर दैट आल्सो तो अभी मैंने क्या बोला बेस करेंसी के लिए कि भाई जिसको वन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है तो इसमें ना दो तरह के आपको कोट्स मिलेंगे ठीक है एक मोर देन वन एक मोर देन वन जैसे दिया हुआ होगा क्या डॉलर रुपीज इक्वल टू एटी टू तो अपने को समझ जाने का भाई मोर देन वन है तो स्ट्रॉन्ग करेंसी इज एट बेस इट मीन्स दैट इज स्ट्रॉन्ग करंसी इज एट बेस अब अपने को ये चीज तो पता ही है डॉलर और रुपीज में कौन स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो तो अपने को पहले से ही यहां से ये 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 जो आप के पास डायग्राम है इसे पता चल जाता है कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है जो जनरल करेंसीज है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग्रेट ब्रिटेन पाउड फिर यूरो फिर डॉलर फिर सिंगापुर फिर धीराम फिर चाइनीसून फिर जापनीज सो आई नो आई नो फॉर इंस्टेंस दैट दैट डॉलर रुपीज में डॉलर इज मोर स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर स्लैश रुपीज इज इक्वल टू एटी टू मतलब वन से ज्यादा अगर है तो स्ट्रॉन्ग करेंसी इज एट द तो इसका मतलब ये ये दिया हुआ है है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इक्वल टू तो देखो मेरे को पता है. इसके लिए बहुत इजीली लिख पाया बट समझो कभी आपको दिया हुआ है समझो अगर लेस देन वन के टर्म्स में दिया हुआ है मतलब डॉलर रुपीज ही लिखा है बट इधर लिख गया है इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री फोर अब क्या है सो so, यहां पे बिकॉज लेस करेंसी इज एट बेस वीक करेंसी इज एट बेस एंड वी विल राइट यर वन रुपीज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री फोर वन रुपीज इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री फोर सो आई होप एक थोड़ा लेंथियर डिस्कशन था बट ये एक चीज मुझे हमेशा रहता है कि क्लियर करवाऊ स्टूडेंट्स को सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर देम चलो अब आ जाओ मेन मुद्दे के ऊपर एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट अब यहां पे मैं आप लोग को एक एक चीज समझाऊंगा उससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल दिया होगा वो आप लोग समझ लेंगे एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव ऑन करते जाएंगे तो पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट जैसा मैंने तुम लोगों को बोला रियल गेम यहां से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है इंडिया में ठीक है ना जो भी कंट्री है उस कंट्री में में अगर फॉरेन करेंसी के टर्म्स दिया हुआ है कोटेशन फॉरेक्स का कोटेशन देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट मतलब इंडिया में अगर डॉलर के टर्म्स में पाउंड के टर्म्स में चाइनीज युआन के टर्म्स में दिया हुआ है तो उस टर्म्स में दिया हुआ है मतलब मतलब वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फोर या वन पाउंड इज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड एंड फाइव या वन चाइनीज वन इज इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी वन ऐसे ठीक है ना फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर दिया हुआ है देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोड और अगर इंडिया में या जो भी कंट्री है फॉर एग्जांपल यूएसए में USA में अगर वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज एटी टू के टर्म में दिया है इनडायरेक्ट कोट इन यूएसए इंडिया में अगर दिया हुआ है देन इट इज अ इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया समझ में आया सो प्लेस ऑफ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट तो पहले आपको देखना है कि कौन से कंट्री में हो आप फिर बाद में देखना है कि क्या कोट दिया हुआ है तो अगर कंट्री है इंडिया

जो फॉरेन करेंसी है तो अगर आप लंडन में हो तो वहां उनका नॉर्मल करेंसी है उनके लिए रुपीज एक फॉरेन करेंसी सो अगर आप लंडन स्टॉक एक्सचेंज में गए और वहां पे आपको कोर्ट मिला वन रुपीज इज इक्वल टू पाउंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर देन इन दैट केस इट इज अ डायरेक्ट कोट इन लंडन समझ में आ गई बात सो प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट क्या हो जाता है एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ ऑफ वन यूनिट होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी सो अगर यहां पे वन डॉलर इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट वन वन दिया हुआ है देन इट इज इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया सो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर इंडिया में रुपीज को छोड़ के बाय कोई भी करेंसी का बेस लेके मतलब वन डॉलर वन पाउंड वन यूरो वन जैपनीजन को लेके बाकी वेरिएबल पे अगर रुपीज को रखा है देन इन दैट केस इट इज अ डायरेक्ट कोट इन इंडिया एंड वाइस वर्सा वन रूपीज के टर्म्स में अगर कोई भी कोटेशन दिया है देन इट इज अनडायरेक्ट कोर्ट इन इंडिया मैंने यहां पे एग्जाम्पल्स भी ऐसे कुछ लिए हुए हैं सो दैट मैं रहू ना रहू मेरा ये लेक्चर रहे ना रहे आपके पास ये नोट या बुक है ना आप ऑटोमेटिकली गो थ्रू कर पाओगे एक एक चीज जो जो पे मेंशन है और कॉन्सेप्ट्स अपने को करने हैं कम सो नाउ वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज नाइनटी इज अ डायरेक्ट कोट इन इंडिया एंड वन रुपीज इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन 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 इज अ डायरेक्ट कोट इन यूएसए क्योंकि यूएसए का लोकल करेंसी होम करेंसी है डॉलर तो डॉलर को जब अपन यस yes, वेरिएबल में रख रहे हैं दैट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट इन यूएसए चलो व्हेन यू फॉरेन करेंसी एज बेट इट इज अ डायरेक्ट कोट अब अगर मेरे को कभी भी डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में बदलना है या इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में बदलना है तो इट इज जस्ट अ इनवर्स ठीक है सो जो आपको करेंसी दिया हुआ है उसका इनवर्स कर दो एंड यू विल गेट दी अदर कोट फॉर एग्जांपल यहां पे वन डॉलर इज इक्वल टू रूपीज नाइनटी पॉइंट सिक्स नाइन वन एट और मेरे को चाहिए वन रुपीज तो मैथमेटिकली मैं क्या करूंगा बेटा मैथमेटिकली मैं क्या करूंगा अगर मैं इस दोनों को डिवाइडी तो एंड यहां डॉलर अपॉन नाइनटी पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू डॉलर टर्म्स में आ जाएगा करेक्ट तो मैथमेटिकली ये चीज समझ गई करना क्या है बेसिकली करना आपको इनवर्स है ऑफ वट एवर इज गिवन इन डायरेक्ट कोर्ट इन यूएसए हाउ टू कन्वर्ट इन टू डायरेक्ट कोट कैसे करना है, तो uh, है तो इनवर्स कर दिया वी विल गेट वन रूपीज इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो एन 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 दूसरे साइड पर आ गया है मेरा ठीक है नीचे क्योंकि फॉरन करेंसी को बेस रखा है उसको इन डायरेक्ट कोर्ट में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा वन अपॉन डायरेक्ट कोर्ट करके राइट डन इधर तक डन है नेक्स्ट के ऊपर आते हैं विच इज कॉल्ड एज बिड एंड आस्करेट देखो अब ये आप जो भी डीलिंग करने वाले हो फॉरेन करेंसी का देर विल बी टू पार्टीज इन्वॉल्व एक होता है बैंक ऑथोराइज डीलर जो ये फॉरेन करेंसी आपको बेच रहा है और एक होते हो आप जो ये खरीद रहा है राइट right? बट कभी कभी वाइस वर्षा भी होगा आपके पास फॉरेन करेंसी होगी आप सेल करने के लिए आओगे एंड ये जो बैंक के ऑथोराइज डीलर है वो परचेज करेगा सो इन बोथ द टाइम्स देर विल बी डिफरेंट रेट्स Obviously, जो इसका बिजनेसमैन है मतलब ऑथोराइज डीलर या बैंक वो जब कोई भी करेंसी को खरीदेगा इट विल ऑलवेज बाय एट अ लोअर रेट एंड अगर वो कोई करेंसी को सेल करेगा इट विल ऑलवेज बी एट अ हायर रेट एम आई राइट बराबर बोल बोलो ना यहां जब बैंक ऑथोराइज डीलर कोई करेंसी को खरीदेगा एट दैट पॉइंट इन टाइम इट विल बी एट रेट एंड जब वो बेचेगा इट तो उसका प्रॉफिट होता है Am I right? तो को लोग रख के चलते, ठीक है? थीके? तो जब यहाँ पे आप बैंक के पास गए तो बैंक के पास जब आप डॉलर बेचने को आओगे तो बैंक खरीद रहा है, बैंक बोलेगा कि भाई एक डॉलर का मैं तुम्हारे को एटी टू रुपीज दूंगा डन बट 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 जब आपको बैंक बैंक आपको डॉलर बेच रहा है यानी आप रुपीज और बैंक बोलता है चल मैं तेरे को डॉलर बेचता हूं। तो बैंक बोलेगा मैं तेरे को एक डॉलर का एटी फाइव रुपीज चार्ज करूंगा तो क्यों ये डिफरेंस बस यही तो उसका प्रॉफिट है एटी फाइव सेलिंग एंड एटी टू रूपीज बाइंग थ्री रूपीज इज इट्स प्रॉफिट विच इज कॉल्ड एज स्प्रेड बट बाइंग ये जो 82 ₹ है इसको बोलते हैं बिड रेट एंड सेलिंग जो इसका सेलिंग रेट है उसको बोलते हैं आस्क रेट सो देयर विल ऑलवेज बी टू रेट्स बिड रेट जहां पे बैंक परचेस कर रहा है फॉरेन करेंसी को आस्क रेट जहां पे बैंक फॉरेन करेंसी को सेल कर रहा है आस्क रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द बिड रेट एंड द डिफरेंस बिटवीन द आस्क रेट एंड बिड रेट इज कॉल्ड एज स्प्रेड आओ देखते हैं

बाई एट बिड बाई एट लोअर रेट बिड रेट सेल एट हायर रेट कौन करता है यह बैंक एंड ऑथोराइज डीलर सो वन पाउंड इज इक्वल टू रूपीज हंड्रेड एंड फाइव स्लैश हंड्रेड एंड एट अगर यहां पर दिया हुआ है तो जब बैंक को ये बेस करेंसी क्या है पाउंड तो बैंक जब पाउंड खरीदेगा आपके पास से समझो आपके पास पाउंड है आपके पास से पाउंड बेस करेंसी जब खरीद रहा है तो बैंक बाइंग रेट विल बी बाइंग रेट विल रेट हंड्रेड एंड फाइव और जब आप बोलोगे नहीं, नहीं आपको चाहिए पाउंड तो लोन जब, like in जब आप बैंक में लोन लेने को जाओगे ना तो दो तरह के इंटरेस्ट दिखेंगे आपको एक जब आपको अगर लोन बोरो करना है तो दूसरा अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो अगर आपको लोन बोरो करना है ध्यान से सुनना मेरी बात ओए हाँ, अगर आपको लोन बोरो करना है तो इट इज एट अ हायर रेट एट परसेंट के रेट पे आपको बोरो करना पड़ेगा बट वही पैसा वही बैंक में इन्वेस्ट करना होगा तो इट विल बी एट सिक्स परसेंट राइट बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे बोरो रेट हायर देन द डिपॉजिट रेट वैसे ही यहाँ पे आसक रेट ग्रेटर देन द बिड रेट कोर्स आर ऑलवेज फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू आस माइनस बिड इज इक्वल टू स्प्रेड उसका परसेंटेज इज ऑल्सो टिपिकल बिड माइनस एग्जाम्पल ले लिया जिसमें आज बिड स्प्रेड और कोट कन्वर्जन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सब चीजें मेरी हो जाएगी फॉलोइंग कोट इज गिवन इन मुंबई वन डॉलर इज इक्वल टू तो मुंबई में अगर फॉरेन करेंसी को बेस रख के वन के टर्म्स में अगर दिया हुआ है देन इट इज अ डायरेक्ट कोर्ट इन इंडिया आइडेंटिफाई द कोर्ट इज इन मुंबई इंडिया एंड इज एज पर डॉलर दैट इज फॉरन करेंसी बेस्ड इट इज अ डायरेक्ट कोर्ट इन इंडिया डन फिर बाद में सेकेंड आता है कैलक्यूलेट द स्प्रेड तो कहना इससे माइनस एटी फोर पॉइंट सेवन टू फाइव ये मेरा स्प्रेड हो गया पॉइंट जीरो फाइव फाइव जीरो बाकी तो मेरे को पता है कि डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे करना है वन अपॉन मैं डायरेक्ट कोट कर दूंगा एंड वन अपॉन डायरेक्ट कोट कर दूंगा ऊपर दो कोट से बट ध्यान रखना जब मैं ये कर रहा हूं और आस्क और बिड दोनों चीजें हैं तो इट विल बी इनवर्स यानी अपॉन डायरेक्ट कोट यहां पे आ जाएगा एंड यहां पे अपॉन डायरेक्ट कोट आ जाएगा बिड क्योंकि तो जब आप इनवर्स करते हो देन इन दैट केस वन अपॉन डायरेक्ट कोट बिड बिकम्स ग्रेटर देन वन अपॉन डायरेक्ट कोट आस्क सो ऑब्वियसली इवेंचुअली तो जो बिगर है दैट शुड बी आस्क एंड दैट इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स कन्वर्ट डायरेक्ट कोट बिड टू इन डायरेक्ट कोर्ट बिड तो क्या करेंगे it will be one upon direct ask. And पे clear everybody? Yes, sir, इससे मुझे मिल गया ये डुअल कोट इन टर्म्स ऑफ बिड एंड आस्क जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट दिया हो तो ये देखो इधर मैंने प्रॉपर तुम लोग फॉर्मेट भी बनवा दिया जब मेरे को डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट कन्वर्ट करना है तो वेन हाउ हाउ डू यू कन्वर्ट अनडायरेक्ट कोर्ट इनडायरेक्ट कोट बिड अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो इनडायरेक्ट कोट बिड क्या होगा वन अपॉन डायरेक्ट कोट आस्क इनडायरेक्ट कोट आस्क क्या होगा वन अपॉन डायरेक्ट कोट बिड क्लियर सिंपल आपको स्वप कर देना है एंड मैथमेटिकली तब आपका आंसर मैच हो जाएगा वाई से इनडायरेक्ट कोड से डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो भी हाँ जब आपको इनडायरेक्ट कोड से डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है तो भी सेम ही चीज होगी वन अपॉन इनडायरेक्ट कोड आस्क इज इक्वल टू डायरेक्ट कोड बेड वन अपॉन डायरेक्ट कोड बेड इज इक्वल टू डायरेक्ट कोड आस्क I hope we are absolutely clear. तो पहला चीज़ था अपना को, को, और दूसरा अपन लोग ने अभी किया बिड एंड आस्ट्रेड डन एंड चलते हैं अभी अपन लोग अपने विच इज कॉल्ड एज इंटर बैंक रेट्स एंड इंटर बैंक कोर्ट्स चलो अब जो ये रेट्स है उनके प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं दिस रेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक होता है मर्चेंट रेट एक होता है इंटर बैंक रेट जब कोई भी बैंक या ऑथोराइज डीलर आप या मेरे जैसे कस्टमर्स को जनरल कस्टमर्स को करेंसी सेल करता है या आप और मैं जब खरीदने को जाते हैं कोई भी करेंसी वॉट एवर रेट दैट इज कोटेड टू अज इज कॉल्ड एज अ मर्चेंट रेट बट यही अगर बैंक जब दूसरे बैंक के साथ फॉरेन करेंसी का डीलिंग करता है या कोई ऑथोराइज डीलर दूसरे ऑथोराइज डीलर या बैंक के साथ नोन एज अ मर्चेंट बिजनेस एंड एक्सचेंज रेट एट विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इज द मर्चेंट रेट इंटर बैंक कोट अ मार्केट प्लेस वेर सेवरल बैंक ट्रेड करेंसीज बिटवीन दोथ द अबाउव केसेस प्रेजेंटेशन ऑफ रेट और कोट्स इज डिफरेंट एंड लेट्स कस्टमर बट इंटर बैंक कोट्स जो होता है ना दैट इज गिवेन बिटवीन बैंक वो थोड़ा एक यू कैन से डिफरेंट वे में होता है एंड दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड रेट प्रेजेंटेशन मर्चेंट कोट जब दिए जाते देखो कितने सिंपल फॉर्मेट में दिए एटीफर इक्वल टू रुपीज एन सिक्स नाइन स्लैश 85.2198, बट यही जब मैं इंटर बैंक दे रहा हूं तो इट इज गिवेन इन शॉर्टकट कि ये जो स्लैश नाइन एट दी है इट इज नथिंग बट 85.2198 तो सर हमारे को कैसे समझेगा तो इसके कुछ थम रूल्स है बस ये थम रूल्स फटाफट अभी अपन लोग समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ एंड वी विल बी एबल टू मूव एट तो सबसे पहला चीज रिप्लेस द पिप्स पिप्स मतलब जो लास्ट के जो दो डिजिट है ना वो पिप्स है फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड एंड कीप अर्लियर डिजिट सेम एज रेट ये की टू वन सिक्स नाइन स्लैश नाइन एट एक्सट्रीम राइट के जो पिप्स है उसको रिप्लेस कर दो सो so, यहां पे मेरे जो एक्सट्रीम राइट्स के पिप्स है सिक्स नाइन उसको रिप्लेस कर दिया इधर

सबसे इजी के भाई लास्ट का जो पिप्स है उसको हम लोग ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया सेवन फाइव एंड वी गेट अ अ बिड वी गेट कोट फिर आते हैं जो पॉइंट है ना वो ये है एटी फाइव पॉइंट टू फाइव टू फाइव जीरो स्लैश फाइव टू जीरो तो अभी देखो क्या बोला है इफ आफ्टर रिप्लेसमेंट से आस्क इज इक्वल टू बिड इंक्रीज बाई वन यूनिट द डिजिट प्रिस रिप्लेस अब मैं क्या करूंगा पता है सबसे पहला काम करूंगा एज इट इज आई राइट इट डाउन तो जब मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं तो इट विल बी एट्टी एट पॉइंट फाइव टू फाइव जीरो डैश एट्टी एट पॉइंट फाइव टू फाइव जीरो अब मेरा बिड इज इक्वल टू आस्क हो गया पर फंडामेंटली ये अलाउड ही नहीं है बिड हैज़ टू बी लेस देन आस्क तो उसमें वो लोग ने क्या बोला है इंक्रीज वन यूनिट द डिजिट प्रीसीडिंग द रिप्लेस्ड पिप्स तो मेरा जो पिप्स जिस था 50 50, वो तो मैंने एज इट इज डाल दिया अब उसके बाद एक जो इधर नंबर है उसके ऊपर ऐड करना है वन एंड दिस विल बिकम 5350 दिस विल बिकम 5350 सो so, अब मेरा नया कोट बन जाता है 88.5250 88.5350 समझ गुड हो एवरीबॉडी सो so, ये मेरा सेकंड सिस्टम हुआ तो so, पहला काम क्या करना है जो बिड है जो आस्क है जो भी दिया हुआ है वो एज इट इज लिख लो जो एकदम सिंपल इंटरप्रिटेशन से आता है सो so, 88.25 5250/50 uh, तो 5250 5250 so, अब जो फाइव जीरो है वो सेम है दोनों का लास्ट लास्ट का एक और पहले आ जाओ प्लस वन कर दो एंड यू विल गेट फाइव थ्री फाइव जीरो तो आस्क इज ग्रेटर देन बिड कम टू द सी वाला पार्ट कम टू द सी वाला पार्ट नाउ 1 डॉलर इक्वल टू 75.1840 30 सो so सेम पहले अपने को क्या करना है लिख देना है वो कोड को वन एट अब अपने को समझ गया भाई बिड इज लेस देन आस्क

हाँ, यहां पे अभी जब आपने लिख दिया से वन पॉइंट एस इट इज लिख दो ऐसा तो हो नहीं सकता तो आप क्या करेंगे यहां पे आ जाएंगे प्लस वन एंड यू विल गेट वन पॉइंट फाइव सेवन जीरो जीरो हुआ एक पीछे आने का प्लस वन कर देने का एंड यू गेट इट फिर बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले एग्जांपल के ऊपर 25.1180 स्लैश खाली 900 दिया है तो यहाँ पे ये जो आस्क वाला है वो कैसे लिखूंगा 25 पॉइंट कुछ दिया हुआ नहीं है तो 0900 राइट right? अब इसमें लास्ट तीन डिजिट वो लोग ने दिया है तो उसको अपन लोग नहीं टच कर सकते ये जो तीन डिजिट उन्होंने ही दिया है उसको टच नहीं कर सकते उससे एक वाला पहले आओ उस उसपे प्लस वन कर दो यू विल गेट योर आंसर यूल्टी जीरो हाथ नहीं लगाने का उसके एक पहले आने का प्लस वन कर दो हो गया ठीक है ना अभी यहां पे भी जीरो जीरो दिया था तो मैंने ये जीरो जीरो को टच नहीं किया मैंने ये जीरो जीरो को टच नहीं किया जो उसने दिया है उसको टच नहीं कर सकते सॉरी आई

30/90 खाली पिप्स दिया हुआ था समझ आए तुम लोग यहाँ पे तो पूरा कोट ही दे दिया है और पूरा कोट ही अगर दे दिया है तो फिर तो आप खुद का कोट नहीं बना सकते ना तो आप करेक्ट कर दोगे ये कोट को आस्क विल बी मेड टू कम लेटर बिड विल बी मेड टू कम अर्लियर एक क्वेश्चन है आ, आ, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे इंस्टीट्यूट ने ये सेम चीज किया है उन्होंने पहले आस्क दिया है फिर बिड किया है तो आपको रिवर्स करना है और फिर डिसीजन लेना है कौन सा क्या हिसाब से बाय बाय कभी -कभी ये भी दे सकते हैं आपको 91.4 प्लस माइनस पॉइंट टू दिस विल बी री रिटर्न है तो प्लस जाएगा आस्क में माइनस जाएगा बिड में तो so 91.2 हो जाएगा बिड का 91.6 हो जाएगा मेरा आस्क का तो यही बस पॉसिबिलिटीज है जो मेरे प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरबैंक कोर्ट्स में आ सकती है आई होप नाउ वी आर वेरी मच क्लियर विद ऑल द विद दिस वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ रेट्स। तो एक होता है स्पॉट रेट दूसरा होता है फॉरवर्ड रेट सब क्या डिफरेंस है दोनों में तो आज अगर मैं बैंक में लेने को गया ऑन द स्पॉट डॉलर खरीदने को गया या डॉलर बेचने को गया वॉट एवर इज द केस जो मुझे रेट मिल रहा है फॉरेक्स का दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट बट हो सकता है मेरे को आज से तीन महीने बाद अमेरिका ट्रेवल करना हो ठीक है और मुझे कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो मैं क्या करूंगा आज बैंक में जाऊंगा और बोलूंगा कि तीन महीने का क्या रेट है तो सो उसने बोला कि आज डॉलर का रेट है वन डॉलर इक्वल टू तो रुपीज एटी फाइव तीन महीने बाद डॉलर का रेट है डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी एट तो वो मैं उसको बोल दूंगा कि आप फ्रीज कर दीजिए ये मेरे लिए तो आज ही अगर मेरे लिए फ्यूचर का फ़ॉरेक्स रेट फ्रीज हो रहा है फ्यूचर के डेट के लिए इट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड रेट समझ में आ गया आज के दिन ही मैं आज ही खरीद रहा हूं स्पॉट रेट आज के दिन ही मैं फ्यूचर का डेट और रेट फ्रीज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड रेट सो टूडेज फॉरन एक्सचेंज रेट फॉर ट्रांजेक्शन टू बी डन इमीजिएटली

क्लियर? अब अब अगर हो हो जाए या $1 equal to 85 हो जाए, या उसको बोलते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस था तो मैंने क्या बोला अभी आपको टू रूपीज एटी फाइव है आज मैं गया तो आज ही मैं गया बट फॉरवर्ड फ्रीज किया मैंने तीन महीने मैं... बाद का डेट और रेट तो वो था वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी एट ये जो तीन रुपए का डिफरेंस है इसको बोलते हैं स्वॉप पॉइंट्स इसको क्या बोलते हैं बेटा स्वॉप पॉइंट सो डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट इज प्यार से कॉल्ड एज स्वॉप पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्पेंसेशन फॉर डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑन करेंसीज ऑफ करेंसी पे तीन महीने बाद का रेट अगर है स कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट कॉम्पोनेट बीच में आ जाता है बस ये वही सॉप कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है सो so, मतलब इंटरेस्ट रेट बाकी का इज रिप्रेजेंटेड एज प्रीमियम और डिस्काउंट सर क्या ये प्रीमियम और डिस्काउंट बस अभी उसी के ऊपर आ रहा हूं सो स्पॉट रेट वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव फॉरवर्ड रेट वन डॉलर इक्वल टू एटी एट बीच का तीन रुपया क्या हुआ रिस्पेक्टिव स्वंट वैसे ही स्वॉप बिड स्वॉप आस्क होगा तो फॉरवर्ड बिड फॉरवर्ड आस्क होगा बीच का जो points है दैट इज कॉल्ड एज स्वॉप स्वॉप बिड आस्क समझ गए ओके सर अब अगर फ्यूचर में कोई भी करेंसी का अप्री मतलब एक हायर लेवल पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड प्रीमियम यानी

तो पहले तुम 85 रुपीस में एक डॉलर ले पाते थे आज तुम्हारी कोई तुम्हारा 88 रुपीस देना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए योर करेंसी इज ट्रेडिंग एट रुपीस इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट सो करेंसी सेट to बी प्रीमियम अगेंस्ट अनदर करेंसी इफ इट इज मोर एक्सपेंसिव इन द फॉरवर्ड मार्केट देन इन द स्पॉट मार्केट जो आपका एग्जांपल है स्पॉट रेट क्या दिया देखो वन डॉलर इक्वल टू एटी वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव यही जब मैं फॉरवर्ड अब जब मैं यही रुपीज के टर्म्स में देखू तो क्या कर दूंगा पता है मैं पहले रुपीज के टर्म्स में ले आऊंगा तो वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी फाइव रुपीज के टर्म्स में है क्या नहीं वन रुपीज इज इक्वल टू वन बाई एटी वन बाई एटी फाइव तो पहले एक रुपीज में डॉलर पॉइंट जीरो वन टू फाइव मिलता था अब खाली वन वाइन एट मिल रही ये हटा दो ये जीरो जीरो हटा दो तो इसका मतलब क्या रुपए में एक सौ पच्चीस डॉलर आता था अब एक रुपए में खाली आ रहा है। मतलब अपना so, discount, एक सौ अठारह करेंसी इज एट डिस्काउंट गॉट इट गाइज सो इफ आर एट डिस्काउंट ऑब्वियसली अदर करेंसी हैज टू बी एट द प्रीमियम एक करेंसी प्रीमियम होगा दूसरा करेंसी डिस्काउंट जो करेंसी

स्पॉट में 85 में मिल रहा है मतलब तीन रुपीज का प्रीमियम चल रहा है तो रेट टूडे वन इक्वल टू डॉलर टू पॉइंट फाइव एंड आफ्टर दैट वन इक्वल टू डॉलर थ्री तो पाउंड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम डॉलर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट कितना प्रीमियम सो थ्री माइनस टू पॉइंट फाइव कहना पॉइंट फाइव का प्रीमियम है ऑन बेस ऑफ 2.5 तो 2.5 के ऊपर 1.5 बढ़ गया बट ये जो 0.5 बढ़ा है क्या ना इसे ये तीन महीने में बढ़ा है तो अगर मेरे को एनुअलाइज्ड लेवल पे लेना है तो क्या होगा सो इट विल बी 0.5 इनटू 12 डिवाइड्ड बाय 3 एंड दिस विल बी 2 सो so, टोटल आपका यहां पे 80 परसेंट के हिसाब से बना है आईटी शो यू तो ये ये मेरा यहाँ पे पॉइंट फाइव है एक्चुअली पूरा लेना चाहिए मेरे को सो यहाँ पे पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव मतलब कहना है इंक्रीज इन थ्री मंथ्स बराबर के नहीं थ्री माइनस टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बढ़ा है ओवर टू पॉइंट फाइव पूरा लिखो ना सर ओवर टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव के ऊपर पॉइंट फाइव और बढ़ गया तो मतलब कितना बढ़ा तो ये बड़ा ट्वेंटी परसेंट तीन महीने में बेटा ट्वेंटी परसेंट बढ़ गया है तो इसका मतलब पूरे साल में कितना बड़ा है ये करेक्ट इट विल बी एटी परसेंट सो ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री एंड इट इज एटी परसेंट ऑन अ एनुअलाइज बेसिस एटी परसेंट ऑन एनुअलाइज बेसिसीमियम समझे सो फॉर्मुला क्या बन गया अपना फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इन हंड्रेड इससे मेरे को ट्वेंटी परसेंट पता चल गया बट ये ट्वेंटी परसेंट तो मेरा तीन महीने का है तो बारह महीने का कितना तो जो आया है उसको मैंने मंथ से मल्टीप्लाई किया अपॉन थ्री मंथ्स जो गिवन है वो आई विल गेट एट्टी परसेंट आई विल गेट एट्टी परसेंट डू एवरी बॉडी सो दिस इज हाउ यू कैलक्यूलेट अ फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल ले, ले दिखा देता हूं मैं बहुत क्रुशियल एग्जाम्पल है बिकॉज यहां पे मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है डिस्काउंट तो सर एक का जितना ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे अगर एटी परसेंट फॉरवर्ड प्रीमियम है तो दूसरे वाले का एट्टी परसेंट डिस्काउंट हुआ ना नो एब्सोल्यूटली नो तो वो कैसे कैलकुलेट करना है सबसे पहला काम करना है आपको दैट यू हैव टू कन्वर्ट द करेंसी इन टू वन रुपीज फॉरमेट अभी क्या दिया हुआ है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव या ये में ले लो वन डॉलर इक्वल टू रुपीज फिफ्टी दिया हुआ है वन डॉलर इक्वल टू रूज फिफ्टी फाइव दिया हुआ है अब अपने को फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले कौन सा करेंसी एट डिस्काउंट है बोलो ये दिखा ना विच करेंसी इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट एंड हाउ मच परसेंट तो करंटली मेरे को दिख रहा है यहाँ पे वन डॉलर इक्वल टू फिफ्टी वन डॉलर इक्वल टू एट फिफ्टी फाइव रूपीज इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट बिकॉज डॉलर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम समझ गया कितना परसेंटेज वो कैलकुलेट करने के लिए पहले मेरे को उसको वन रुपीज के टर्म्स में लाना पड़ेगा जिसका प्रीमियम या जिसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसको वन रुपीज के वन रुपीज के लेवल पे ले आओ सो so, रुपीस ट्रेडिंग हा ट्रेंडिंग एट डिस्काउंट फर्स्ट कन्वर्ट रुपी एट पर कर रुपीज को ये देखो इधर वन बाय फिफ्टी फाइव करके वन रुपीज को डॉलर के टर्म में ले आए यहां पे स्पॉट को भी वन वन रुपीज को डॉलर के टर्म्स में ले आए परफेक्ट समझ आएगा ये वन डॉलर इक्वल टू वन रुपीज है ध्यान रखना छोटा छोटा ऐसा कुछ अगर मिस्टेक मिले ना ना कभी तो प्लीज मेरे को है व्हाट्सएप कर दो कभी भी ऐसा कुछ मिले तो मुझे है ना व्हाट्सएप कर दो मेरे नंबर पे कैसा है ना ये पूरा तीन सौ साढ़े तीन सौ पेज का जो बुक आपको दिख रहा है ना मैंने लिख लिख के बनाए मेरे पास लिटरली वो अभी तीन चार नोटबुक्स मेरा पड़ा है जहां पे मैंने एक एक ये सब चीजें लिखी हुई है तो लिखने में कभी कभार या कई बार मैं तो लिख रहा हूं बराबर जो मेरा बंदा है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है उससे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और प्रूफ रीडिंग में कभी कभी छोटी छोटी ऐसी गलतियां मिस हो जाती है तो आप तो बहुत बड़े ऑडिटर है तो आप यहाँ पे हम खाली मेरे को व्हाट्सएप कर दो एंड वी विल गेट बैक मतलब वी विल एंश्योर कि भाई नेक्स्ट एडिशन में एटलीस्ट ये चीज ना हो सो दैट इट विल बिकम बेटर ठीक है छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार मिस हो सकती है जहां पे इतने सारे नंबर्स फॉर्मूलाज एंड सो मेनी चीजें हो बट यू कैन बी माई हेल्प जस्ट ड्रॉप मीर व्हाट्सएप एंड टेल दैट सर ये पेज पे फोटो भेजने का और लिखेगा सर ये पेज पे ये ये है और ओवरऑल मैजिक बुक कैसा लगा वो भी साथ में बता बताई देने का है ना? तो, now, your, मेरा सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है जिसका भी मेरे को प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है उसको पर करेंसी लेवल पे ले आओ और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो सिंपल फॉरवर्ड माइनस डिस्काउंट फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इनटू जो भी इनटू टू मंथ्स अपॉन जितना भी दिया so uh, पर्टिकुलर करेंसी में कन्वर्ट करो जिसमें आपको उसका ट्रेंडिंग डिस्काउंट या प्रीमियम फाइन करना है फिर आपने 1 by 55 minus 1 by 50 किया which is फॉरवर्ड minus spot upon 1 by 50, which is spot. और फिर बाद में इसको सॉल्व करो ऑटोमेटिकली आपको माइनस माइनस में 18 .18 discount, में में आंसर आएगा डिस्काउंट आया इसके लिए समझ गुड भी, भी तो अब एक मस्त वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे जो तुम लोगों को काम आएगा उसके पहले मैंने जानबूझ के यहाँ पे यह दिया है बिकॉज

सेम क्वेश्चन के लिए अपने को रुपी का डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड करना है अब दोनों का बिड और आस्क है तो पहले बिड प्रीमियम फाइंड करेंगे फिर आस्क प्रीमियम फाइंड करेंगे फिर बिड डिस्काउंट फाइंड करेंगे फिर आस्क डिस्काउंट फाइंड करेंगे एंड वी आर डन सो बिड प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो बिड का जो भी मेरा फॉरवर्ड रेट है एटी सिक्स पॉइंट वन टू फाइव माइनस बिड का जो मेरा स्पॉट रेट है अपॉन बेड का स्पॉट इन टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व बाई थ्री एज यूजन लोग सॉल्व करते हैं तो बेड प्रीमियम फिर आएगा प्रीमियम जब मेरे को यहां पे डिस्काउंट फाइंड करना है ऑलवेज रिमेंबर दैट आई हैव टू डू द इनवर्स मतलब जब वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फोर पॉइंट फोर फाइव फाइव दिया है बट मेरे को रूपी का डिस्काउंट फाइंड करना है तो पहले मैं रूपी लेवल पे उसको कन्वर्ट कर दूंगा वन रुपी इज इक्वल टू कितना डॉलर बट जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो बिड आस्क इनवर्स हो जाता है एंड दिस कम्स योर दिस कम्स योर एज इज वेरी रेलिवेंट ये देखो हम लोग ने प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखा है दैट आपको पिक्टोरली ये चीज समझ जाए कि ये दोनों इनवर्स हो गए हैं बस अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दो ठीक है अब आपका ये वन अपॉन ये वन अपॉन एटी सिक्स पॉइंट 1, 3, 5, 0, minus 1 upon ये मेरा आ गया डिस्काउंट परसेंटेज एज वेल सो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो अलग अलग है बिड प्रीमियम इज डिफरेंट बिड डिस्काउंट इज डिफरेंट प्रीमियम इज डिफरेंट एंड डिस्काउंट इज ऑल्सो डिफरेंट तो अलग अलग कैलकुलेट करना है ऐसा नहीं एक जितना प्रीमियम दूसरा उतना ही डिस्काउंट नहीं दोनों अलग अलग अपन ने कैलकुलेट किया है करके गॉट इट गाइज डन फिर बाद में आ जाते हैं अभी अपन लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर इज फॉरवर्ड रेट जो अभी अपन लोग कर रहे हैं बट इसमें डिस्काउंट के लिए ये लोग स्वॉप पॉइंट्स कैसे देंगे वो बेसिकली समझना है देखो ये चीज तो अभी अपने को समझ गई कि 84.25 दिया है और फिर 85.65 दिया और 85.85 .85 दिया है मतलब फॉरवर्ड इज एट प्रीमियम बट अगर 84.25 दिया है और फिर 84.05 और फिर 83.85 दिया है तो यानी फॉरवर्ड इज एट डिस्काउंट समझ में आया बेटा यस yes, सर अब इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा स्वॉप पॉइंट्स के टर्म्स में ये देखना कैसे स्मार्टली आपको ये ट्रिक करेंगे देखना यहां पे उसने दिया है एटी पॉइंट टू फाइव फाइव जीरो स्लैश सिक्स जीरो एंड जो स्वपंट है उसको गौर फरमाना दिया है टू फिफ्टी स्लैश फिफ्टी तो व्हेन बिड पॉइंट इज ग्रेटर देन आस्क स्वप पॉइंट जो दिख रहा है इधर तो इसका मतलब इट इज एट डिस्काउंट आपको माइनस करना है वरना आप ऐड कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा पता है बिड विल बी ग्रेटर देन आस्क जो कभी हो नहीं सकता तो जब भी बिड स्वप पॉइंट

ले लो and 2300, तो obviously 2300 कम है मतलब इट इज नॉट ट्रेडिंग एट प्रीमियम बट ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट और वो अपने को यहां से swap point से ही आइडिया आ गया था अब इसको खाली एक बार रीड कर लेंगे बेटा इसको खाली रीड कर लेंगे

Got it guys, done. चलो सो so ऐसा सीन है अभी 85 फाइव माइनस सेवेंटी कर दिया 84.3 फोर पॉइंट फोर्टी कर दिया डन अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है तो अभी देखो आप लोग देख रहे होंगे मैंने अभी तो जितने भी एग्जांपल लिया है मैंने क्या लिया है वन मंथ फॉरवर्ड टू मंथ फॉरवर्ड थ्री मंथ फॉरवर्ड सिक्स राउंड टू अमेरिका जाना हो और मेरे को two months, 15 days बाद का अगर मेरे को फॉरवर्ड uh, रेट चाहिए तो क्या भाई बैंक तो वन मंथ दे रहा है थ्री मंथ दे रहा है टू मंथ दे रहा है सिक्स मंथ दे रहा है मेरे टू मंथी डेज का क्या उसके लिए यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो जो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रेक करना है टू मंथ थ्री मंथ्स का है उसको ब्रेक करके टू मंथीन डेज पे लाना है तो कैसे लाएंगे वो टू मंथ्स का दिया हुआ है थ्री मंथ्स का दिया हुआ है तो इन दोनों का सॉप पॉइंट पता चल जाएगा एक महीने का थर्टी डेज का सॉप पॉइंट इतना है तो फिफ्टीन डेज का कितना होगा

दिन का है हेलो तीस दिन का डिफरेंस का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई दिन का कितना होगा इट विल बी टू पॉइंट फाइव तीस दिन का डिफरेंस छह तो पंद्रह दिन का डिफरेंस कितना होगा थ्री तो बस उतना ऐड कर दो so, का है अपने पास अब फिफ्टीन डेज का आ गया टू पॉइंट फाइव एंड थ्री एड कर दो वी विल गेट टू 15 डेज का ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट, समझे आप लोग एवरीबॉडी सो so, बस ऐसे कैलकुलेट करना तो आपके पास कोई भी होगा वन मंथ का और थ्री मंथ का दिया है समझो और आपको बोला है कि टू मंथ फिफ्टीन डेज फाइंड करो तो भी आप फाइंड कर सकते हो कि भाई अगर सिक्सटी डेज का बीच का स्वॉप पॉइंट का इतना है

किसको बोलते हैं आस्क रेट किसको बोलते हैं बैंक सेलिंग रेट बैंक बाइंग रेट फॉरवर्ड विट बैंक बाइंग रेट इन फॉरवर्ड मार्केट बैंक फॉरवर्ड आस्क बैंक सेलिंग रेट इन फॉरवर्ड मार्केट स्प्रेड मतलब आस्क माइनस बिट ठीक है सो so, स्प्रेड ध्यान रखना आस्क माइनस बिट होता है स्वॉप याद रखना फॉरवर्ड और स्पॉट के डिफरेंस को स्वॉप बोलते हैं कभी कभी क्वेश्चन आपको स्प्रेड भी देगा और कभी कभी क्वेश्चन आपको स्वॉप भी देगा कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जाम में ध्यान रखना है स्प्रेड आस्क माइनस बेड बराबर है स्वॉप फॉरवर्ड माइनस स्पॉट देखो इधर मैंने बताया भी है सपोज स्पॉट दिया है ए फॉरवर्ड दिया है सी तो स्पॉट और फॉरवर्ड के डिफरेंस को बोलते हैं स्वप्स समझे बट बीड और आस्क ए और बी डी और सी को बोलते हैं

ध्यान रखना जिसका भी प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेट करना है पहले उसको वन रुपीज के टर्म्स में लेकर आओ जी हां तो वन डॉलर इक्वल टू एटी टू है नहीं चलेगा हमारे को रुपी का डिस्काउंट टेन परसेंट के हिसाब से करना है तो वन रुपीज इक्वल टू वन अपॉन एटी टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन टू टू अब इसके ऊपर माइनस टेन परसेंट कर दो एंड यू विल गेट डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो नाइन एट

0.01098 यही आपका आंसर है बस अब इसी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट वो है अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का सो so, आज करेंसी का रेट है वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव कल आप गए और करेंसी का रेट हो गया नाइनटी तीन महीने बाद आप गए करेंसी का रेट हो गया 90। तो आज आपने देखा एटी फाइव है जब तीन महीने बाद आप एक्चुअल में गए तब आपने देखा नाइनटी है तब आप बोल सकते हो यार करेंसी करिएट हुआ है या रूपीज डेट हुआ है डॉलर अप्रीशियट हुआ है तो स्पॉट का ही बट आज का और कुछ दिन के बाद आप कुछ स्पॉट पे ही जाओगे उस दिन का जब आप रेट कंपैरिजन करते हो दैट इज कॉल्ड एज अप्रीसिएशन ड्रीसिएशन प्रीमियम डिस्काउंट आज ही के दिन आगे का भी आप देख रहे हो राइट right? और आपको अगर कुछ दिख रहा है भाई प्रीमियम या डिस्काउंट तो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम डिस्काउंट

Depreciation, appreciation है ना, आप खुद जाते हो सेम डेज पे अलग अलग वैसा कंपेरिजन ऑफ स्पॉट ऑफ वन डे विदर डे स्पॉट स्पॉट रेट ऑफ अदर डेट को स्पॉट के साथ फॉरवर्ड को फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करते हो बट एबसल्यूट फ्लैट इंक्रीज इसमें एनुअलाइज नहीं होता है बट प्रीमियम और डिस्काउंट में ऑलवेज ऑलवेज एनुलाइज होता है एंड ऑब्वियसली प्रीमियम और डिस्काउंट हैज मोर वेटेज इन द एग्जाम एंड इन ओवरऑल वैल्यू समझ में आई बात सो इधर ही कंप्लीट करते हैं अपन, अपना ऑफ़ प्रीमियम डिस्काउंट डेप्रिसिएशन स्पॉट फॉरवर्ड स्प्रेड आस्क सारी की सारी चीजें एक बार चाहिए तो वापस से सुन लेना थ्रू कर लेना नोट्स को एंड यू बी मच मोर कॉन्फिडेंट चलते अपन लोग अभी अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है क्रॉस रेट्स अब समझो क्रॉस रेट्स का क्या सीन है तो क्रॉस रेट्स का मतलब होता है ऐसे मैं गया चाइना में। चाइना में वाले बोलते हैं भाई हमारा और रुपीज का कोई कनेक्शन नहीं है बट वहां पे डॉलर एक कॉमन करेंसी है सो तो अपन को अगर चाइनीज युआन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूं डॉलर से युआन में कन्वर्ट कर सकता हूं इनडायरेक्टली तुम लोग अगर नोट करोगे तो रुपीज से चाइनीज युआन में कन्वर्ट हो गया बट वो किसके थ्रू हुआ बीच में करेंसी था कौन था वो करेंसी डॉलर उस करेंसी डॉलर करेंसी को क्या बोला जाएगा वहीकल करेंसी कंधा होता है ना कंधा कोई भी एक लव ट्रायंगल में बस तो ये लव ट्रायंगल ही है बीच में जो एक करेंसी है वहीकल करेंसी है दैट बेसिकली विल एंश्योर कि मेरे जो दो करेंसीज है जिनमें कॉमन कोई भी कोट्स अवेलेबल नहीं है आई विल यूज अ कॉमन करेंसी जिससे मेरे को एक कोट मिल जाएगा एंड देन आई विल बी एबल टू डू द ट्रांजेक्शन राइट उसको बोलते हैं क्रॉस रेट बिकॉज मैंने क्या किया मैंने रुपीज से डॉलर डॉलर से चाइनीज यून में कन्वर्ट किया देर इज अ क्रॉस लिंकिंग ऑफ द फॉरक्स करेंसीज अ क्रॉस रेट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ टू कर नाइदर ऑफ विच इज द बेस्ट करेंसी इन दैट पेर रूपीज का और चाइना का डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं रुपीज का डॉलर के साथ है डॉलर का चाइनीज युआन के साथ द क्रॉस रेट इज कंपेयरिंग एक्सचेंज रेट ऑफ द टू करेंसीज़ अ कॉमन थर्ड करेंसी जिसको प्यार से व्हीकल करेंसी भी बोला गया है द क्रॉस रेट बिटवीन ई और जीबीपी अगर समझो चाहिए और बीच में है डॉलर तो ईआर यूएसडी जीबीपी यूएसडी करके एबल टू कैल्क्युलेट एक एग्जाम्पल जरूर देख लेते हैं अपन लोग स्पॉट रेट अवेलेबल विद बैंक यू आर यूएसडी एंड यूएसडी जीबीपी पर मेरे को चाहिए युवा जीबीपी अब मैं क्या करूं सो आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेट करेंसी यहाँ पे क्रॉस रेट होता है that is what I am trying to say. अब इसके लिए दो rules अपने को को करने वो भी तुम लोगों बता रहा फिर आप cross rate currency का कोई भी सम कर लो यू विल बी एबल टू मैनेज इट वे ऊपर का जो एग्जाम्पल था उसमें क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कंधा कौन है आई मीन वेरिएबल करेंसी वेकल करेंसी कौन है करेक्ट यूएस डॉलर इज द वहीकल करेंसी रूल वन मैथमेटिकल रूल है अपना सिंपल है देखो ए बाय बी इन टू बी बाय सी इज इक्वल टू ए बाय सी बी और बी कैंसल डॉलर रुपीज फाइंड करना है अपने पास डॉलर पाउंड है, पाउंड रुपीज है कैंसल मेरे को मिल जाएगा डॉलर बाय रुपीज राइट सो दैट इज आउ द होल सिस्टम वर्क बट कभी कभी क्या होगा पता है क्या कभी कभी आपको से फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यूरो सॉरी पाउंड डॉलर पर आपको कैलकुलेट करना है डॉलर पाउंड तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इट इज एज गुड एज डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट होट तो कहना इसे पाउंड डॉलर को मैं डॉलर पाउंड में उसको इनवर्स करके कर सकता हूं यस सर तो ये बेसिक चीज अपने को पता है कि इन्वर्स कर दो अब अगर बिड और आस्क हुआ तो वन अपॉन आस्क से उसका बिड मिल जाएगा वन अपॉन बिड से उसका आस्क मिल जाएगा ये बेसिक जो अपन लोग करते हुए हैं बस इसको भी अप्लाई करना है एंड दैट इज हाउ वी विल गेट आर आंसर उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया यू डोंट हैव टू वरी सो अगर बेसिक रखू तो बिड ए बाय बी मतलब डॉलर रुपीस का से फॉर एग्जाम्पल बिड अवेलेबल है ठीक है इज इक्वल टू बिड ए बाय सी अपॉन बिड सी बाय बी कट कट तो मेरे को मिल जाएगा बिड ऑफ ए बाय बी देखो यहां पे आप लोगों को और एक बार करके दिखाता हूं मैं देखो मेरे को चाहिए ए बाय से बी मेरे को चाहिए A B. मेरे पास ए बाय सी अवेलेबल है मेरे पास सी बाय अवेलेबल है मैं क्या कर दूंगा सी सी कैंसल सो इन शॉर्ट इन शॉर्ट ए बाय सी विल बी मल्टीप्लाइड बाई सी बी करूंगा तो मेरे को इनडायरेक्टली ए बाय मिल जाएगा ना करके सेम आस्क आई बी मेरे को फाइंड करना है मेरे पास आस्क सी है मेरे पास बिड uh, है आई विल बी एबल टू कैलक्यूलेट आस्क ए बाई बी लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर सो अगर आपको डॉलर बाय रुपीज दिया हुआ है एंड एट द सेम टाइम आपको डॉलर बाय यूरो दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है यूरो बाय रुपीस तो आप क्या करोगे डॉलर बाय रुपीस सर गिवन अपने अपने को फाइंड करना है डॉलर नहीं यूरो है यूरो बाय रुपीस अपने को फाइंड करना है अभी इधर देखो डॉलर बाय रुपीस गिवन है डॉलर बाय यूरो भी गिवन है डॉलर बाय यूरो b गिवन है नाउ मेरे को अब तक क्या मिल रहा था पता है a by c into c by b तो मैं c c कट करता था मेरा काम हो जाता था यहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डॉलर और डॉलर दोनों ऊपर है पर मेरे को यूरो बाय रुपीज चाहिए तो क्या इससे ये वाला जो है डॉलर बाय यूरो इसके जगह पे मेरे को अगर यूरो बाय डॉलर मिल जाए तो बात बन जाए तो मैं क्या कर लूंगा क्या तो यहाँ पे फिर डॉलर डॉलर कैंसल हो जाएगा और मेरे को यूरो बाय रुपीज मिल जाएगा अब आप मेरे को बताओ डॉलर बाय यूरो को यूरो बाय डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा क्या से वो जो डॉलर बाय यूरो का कोट है उसको इन्वर्स कर दूंगा डन अब डॉलर बाय यूरो इसके कोट को मैं इन्वर्स कर दूंगा ये मुझे पता है कोई टेंशन नहीं है बट इसका वन अपॉन आस्क यूरो का बिड बनेगा एंड उसका वन अपॉन बिड यूरो बाय डॉलर का आस्क बनेगा क्लियर एवरीबॉडी यस सर इट अब एक एग्जांपल भी दे रहा हूं आप लोगों को तो ये लॉजिकली मैथमेटिकली आपको समझा दिया अब इसके लिए मैं दे रहा हूं आप लोगों को एक एग्जांपल देखिए रुपीज बाय डॉलर एटी एटी फाइव पाउंड बाय डॉलर पॉइंट नाइन वन टू फाइव पॉइंट नाइन फाइव टू फाइव सॉल्व करके बताओ रुपीस बाय पाउंड अब मैं सीधा-सीधा जो दिया हुआ है उसको अगर लिखता हूं देन इन दैट केस कट कट सीधा सॉरी नहीं सीधा-सीधा तो मेरे को आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए ये बस देखो दिया हुआ क्या है सीधा-सीधा रुपीस बाय डॉलर दिया हुआ है एंड पाउंड बाय डॉलर दिया हुआ है ओ ओ ना चलबे ये तो ना चलबे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को यहां पे रुपीस बाय डॉलर तो एज इट इज रखना है कोई टेंशन नहीं है इसमें मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड डौलर डौलर पाउंड बाय बाय डॉलर डॉलर को में बराबर है क्योंकि देखो रुपीस बाय पाउंड चाहिए तब जाके कैंसल हो पाएगा सो इन शॉर्ट मेरे को पाउंड बाय डॉलर को डॉलर बाय पाउंड में कन्वर्ट करना है डॉलर पाउंड बाय डॉलर को डॉलर बाय पाउंड में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा से अपॉन एंड सो देखो ये पॉइंट नाइन फाइव टू फाइव ब्लू में दिखा रहा हूं आपको वो मेरा इधर आज था बट वन अपॉन करता हूं तो वो बिड में आ जाएगा सो so, यहां पे देखो आ गया ये मेरे बिड में वन अपॉन पॉइंट नाइन फाइव टू फाइव एंड पॉइंट नाइन वन टू फाइव वो मेरे आस्ट में आ गया एंड दैट इज हाउ आई विल गेट वॉट आई विल गेट डॉलर बाय पाउंड हो गया अपना कम अगर मेरे पास अब डॉलर बाय पाउंड है रुपीज बाय डॉलर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिल जाएगा रूपीज बाय पाउंड क्लियर एवरीबॉडी बहुत सिंपल है अगर आप लोग भी बुक लेके बैठोगे और इसको सॉल्व करोगे ना बहुत 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 इजीली यू विल गेट इट सबसे सिंपल बात है बॉस यहाँ पे पाउंड बाय डॉलर मेरे को नहीं चाहिए मेरे को इनवर्स चाहिए किया मैंने यहाँ पे देखो ये इसको इधर डाल दिया ये इसको इधर डाल दिया मुझे मिल गया दोनों का इनवर्स फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो काम हो जाएगा सो अब मैंने क्या किया 80 मल्टीप्लाई बाय 1.0499 एंड दूसरा एटी फाइव मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट जीरो नाइन फाइव नाइन करो इन दोनों को एंड यू विल गेट द आंसर सॉल्व करो इन दोनों को सो 80 इंटू वन पॉइंट जीरो फोर नाइन नाइन वी विल गेट एटी थ्री पॉइंट नाइन नाइन टू एंड इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे वी विल गेट नाइनटी थ्री पॉइंट वन फाइव वन फाइव दैट्स इट अगर ये आपको समझ में आ गया है देन बस यही अपने को करना है इन केस ऑफ क्रॉस रेट्स डन अब ये एक थोड़ा इंडिपेंडेंट चीज के ऊपर आ रहा हूं मैं ध्यान से सुनना मार्जिन एंड कमीशन चार्जेस बैंक के पास जब आप डॉलर लेने जाओगे डॉलर बेचने जाओ तो बैंक कुछ कमीशन चार्जेस एड लेस करेगी कब क्या करती है ध्यान से सुनना कमीशन इज एडेड कस्टमर इज जाऊंगा, तो मेरे पास है तो मुझे क्या मिल जाएगा डॉलर एंड कभी कभी वाइसा वर्षा भी होगा मैं रुपीज लेके गया डॉलर ले लिया कभी कभी मैं क्या करूंगा डॉलर लेके जाऊंगा और सामने रूपीज मेरे को मिल जाएगा इन so सच there will विल बी which will विल एडेड और subtracted वो अभी मैं आपको बताऊंगा अब इसको समझते हैं एक example के थ्रू तो हमारे पास से हम बैंक है हमने कुछ रेट कोट किया हुआ है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव ठीक है अब मेरे पास एक कस्टमर आया कस्टमर आके बोलता है कि देखो सुनो मेरे पास रुपीज एटी फाइव थाउजेंड है चलो वो बोलता है मेरे पास रुपीज एटी सिक्स थाउजेंड है मेरे को इसको में कन्वर्ट करवा के दे दो मेरे को इसको डॉलर में कन्वर्ट करवा के दे दो तो अपन बोलेंगे भाई ऐसा है क्या यस सो so, ये अपने पास क्या खरीदने आया है डॉलर खरीदने के लिए आया है तो अपन बोलेंगे कि भाई ये जो तेरे को रेट दिख रहा है ना 85 का इसमें इसमें हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा हमारा मार्जिन ऐसे वन रुपीज हमारा मार्जिन है तो तेरे लिए रेट हो जाएगा देख रेट था बट खरीदने के लिए आया मेरे पास सो ये मार्जिन इज एडेड कस्टमर इज बाइंग द बेस करेंसी बेस करेंसी डॉलर है वो बाय करने के लिए आया डॉलर करेक्ट तो अपन उसको बोल देंगे मार्जिन विल बी एडेड तो एड मार्जिन अब रेट हो जाता है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी सिक्स सामने तेरे पास है रुपीज एटी सिक्स थाउजेंड चलो वन थाउजेंड डॉलर हम आपको दे देंगे एट द रेट एटी सिक्स मार्जिन एड कर दिया यहां पे जब कस्टमर करेंसी बेस करेंसी बाय करने के लिए आया एंड इसी का ऑपोजिट भी पॉसिबल है अंडरस्टैंडिंग गाइस अब समझो ऑपोजिट हुआ बट मैं एग्जाम्पल सेम रख रहा हूं ठीक है ना यहां पे क्या हुआ कस्टमर बाइंग बेस करेंसी कस्टमर बाइंग बेस करेंसी जो है डॉलर अब मैं एग्जाम्पल सेम रख रहा हूं वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी फाइव है ठीक है बट अब कस्टमर आता है सेल करने को कस्टमर सेलिंग बेस करेंसी डॉलर अब वो आया मेरे पास भागा भागा बोला कि अरे मेरे पास हजार डॉलर है मेरे पास हजार डॉलर है चलो मेरे को एटी फाइव थाउजेंड दे दो हमने बोला नहीं देता जा क्यों क्योंकि मैं उसको बोलूंगा कि सुन अब तू बेस करेंसी बेच रहा है तो मैं मार्जिन यहां पे माइनस वन डिडक्ट करूंगा ये हो जाएगा रुपीज एटी फोर ये हो जाएगा रुपीज एटी फोर और इसके हिसाब से अब तेरे को एटी फोर थाउजेंड रुपीज मिलेगा तो जब वो सेल करता है बेस करेंसी तो मार्जिन अपन लोग ने रिड्यूस करना है क्योंकि अब अपन उसको पैसा दे रहे हैं पैसा देते वक्त अपन अपना मार्जिन माइनस करके उसको दे देंगे जब अपन ले रहे हैं समझ रहे हो जब अपन उसको बेस करेंसी सेल कर रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं तो अपन एड कर देंगे अपना मार्जिन ताकि अपने पास ज्यादा पैसा आ जाए यह ना शेयर मार्केट की तरह है सुनो अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास इंफोसिस का मेरे को शेयर लेना है कोई स्टॉक ब्रोकर से सौ शेयर लेना है एक शेयर का प्राइस है फाइव हंड्रेड रुपीज और उसका ब्रोकरेज है टेन परसेंट तो कैसे होता है पता है क्या आपको मैं उसको बोलता हूं सुनो मेरे को हंड्रेड शेयर लेना है फाइव का है तो क्या सीन होगा 100 इनटू 500 होता है 50,000 रुपीस तो आइडियली मैं उसको 50,000 रुपीस दूंगा वो मुझे ये 100 शेयर देगा बट अब उसका ब्रोकरेज भी है 10% तो ये 50,000 के ऊपर ऐड कर देगा 10% 55,000 रुपीस मेरे को उसको देना पड़ेगा और सामने मेरे को वो 100 शेयर देगा जैसे यहाँ पे 85 रुपीज पर डॉलर था एक रुपया मार्जिन ऐड किया 86 हुआ मेरे को 86,000 देना पड़ेगा हजार डॉलर मेरे पास आया वैसे वर्षा जब मेरे को शेयर सेल करना है तो 500 रुपीस का एक शेयर है आ, 100 शेयर मेरे को सेल करना है तो 50,000 रुपीस मेरे अकाउंट में आना चाहिए वो बोलेगा नहीं नहीं रुक जाओ फाइव हंड्रेड का एक शेयर है टेन परसेंट मेरा ब्रोकरेज कमीशन है मैं वो फाइव हंड्रेड में फिफ्टी रुपीज माइनस कर दूंगा बचा 40, 450, 45, रुपीज वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा आफ्टर डिडक्टिंग हिज ब्रोकरेज समझ रहे तो जब मैं शेयर को सेल कर रहा हूं जब मैं डॉलर को सेल कर रहा हूं तब मेरे पास ब्रोकरेज या मार्जिन कमीशन डिडक्ट होके मेरे पास वो पैसा आ रहा है जब मैं शेयर्स खरीद रहा हूं डॉलर खरीद रहा हूं तब उसमें वो अपना मार्जिन जो प्राइस है वो शेयर का एड करके मेरे को दे रहा है अब आपको इन्फोसिस के शेयर के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ के याद रखना है अप टू यू डॉलर के थ्रू इसको याद रखना है अप टू यू डॉलर बेसिकली शेयर के जैसा है जब आपको शेयर खरीदना है डॉलर खरीदना है आप देने जाओगे मार्जिन ऐड कर दो जब आपको बेचना है आप डॉलर बेच रहे हो तो मार्जिन सामने वाला माइनस करके आपको बचा हुआ पैसा दे देगा इसको बोलते हैं मार्जिन तकलीफ देता है ये कुछ कुछ स्टूडेंट्स को बट आई होप लॉजिकली क्लियर हो गया होगा इन्फोसिस के शेयर्स का एग्जांपल याद रखेंगे अपन तो और अच्छी तरह से अपने को ये एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा समझे क्या एवरीबॉडी यस सर इसी के साथ मार्जिन कमीशन चार्जेस छोटा सा ये था कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कुछ एक आगे कॉन्सेप्ट आता है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसमें है ना बाइंग एंड सेलिंग में मार्जिन बाई डिफॉल्ट वो लोग देते ही है क्वेश्चन में अब आपको नहीं पता होगा ना बराबर से तो पूरा सम रॉन्ग जा सकता है क्योंकि आपने अगर मार्जिन एड लेस में गड़बड़ किया तो आपका रेट बराबर नहीं आएगा एंड देन यू नो व्हाट विल हैपन मतलब कैसा है पता है क्या यहाँ पे ये 85 में प्लस कब करना है माइनस वन कब करना है पता चलना चाहिए उल्टा किया तो समझ गए ना बस तो इसके लिए लॉजिकली बता दिया है सुन लेना वापस से अगर कंफ्यूजन हो तो बट अदर देन दैट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज इट इन्फोसिस का एग्जाम्पल वाला चीज भी रख के करोगे याद तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है आर्बिटराज सिंपल वे में बाय इन लो सेल एट हाई बाय एट लो सेल एट हाई सो आरबिटराज इज डिफाइंड एज ऑन द स्पॉट ऑफ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम टाइनी डिफरेंस इन द एसे मतलब सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर है जो बी में रिलायंस का शेयर है जो बीएससी में फोर में मिल रहा है सेम टू सेम शेयर एनएससी में थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे होगा 440 में मिल रहा होगा मैं क्या करूंगा इमिजिएटली एनएससी से 440 में बाय कर लूंगा इमीजिएटली बीएससी में 450 में सेल कर लूंगा दस रुपए का खाचा हो गया मेरा प्रॉफिट दस रुपए का खाचा हो गया मेरा प्रॉफिट समझ में आ गया एवरीबॉडी बस यही आर बेटा ऑन द स्पॉट बता होना चाहिए क्योंकि ये फोर फिफ्टी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मार्केट के बाय एंड सेल यू नो मार्केट के डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इवेंचुअली फोर 450, 450 होने वाला है दोनों या दोनों 445 या दोनों 440 पे आ जाएगा प्राइस सेम हो गया तो गया तो तो अपना अपॉर्चुनिटी फटाफट फटाफट बाय फटा फट सेल बीएससी में बाय किया एनएससी में सेल किया सेम एसेट सेम रिलायंस ठीक है ना सो so, देखो इधर साइमल्टेनियचेज एंड सेल ऑफ सेम रिलायंस इन डिफरेंट मार्केट बी एस सी एन एस सी इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम एनी टाइनी डिफरेंस दस रुपया

एक जगह हंड्रेड है एक जगह हंड्रेड एंड टेन है बोलो मैं क्या चक्री होगा हो हो हो, हो हो। हो, हो अगर कोई भी एक करेंसी पेयर का अलग अलग रेट्स है दो बैंक में आपको आर्बिट्राज का फायदा होगा हो ही होगा आपको करना ही ट्राई एग्जाम के बाद आप लोग ट्राई करना ठीक है पचास हजार रुपए ले लेना लोन पे मम्मी पापा से किससे भी कंफर्म प्रॉफिट ही दिलवाऊंगा तुम सुनो ना मेरी बात जाना एक बैंक में पूछना है भाई क्या रेट दिया है वो आपको देगा डॉलर $10 का हंड्रेड एंड टेन रुपीज अब अपने पास तो रुपीज है कैसे इसका फायदा करना है ये मैं आपको बता रहा हूं जो भी कमीशन होगा एड करके बेच देना अभी बताया ना कमीशन टू बी एडेड कमीशन टू बी लेस समझेगा आओ, करते हैं अगर अपने पास रुपीज टू है तो क्या सीन होगा गो टू बैंक एक्स बैंक एक्स में जाके रुपीज टू थाउजेंड को कन्वर्ट करवा लो इन डॉलर ट्वेंटी देखो इधर है ना रुपीज टू थाउजेंड को कन्वर्ट करवा लो इन डॉलर ट्वेंटी देखो अभी मैं बोल रहा हूं कुछ कुछ छुट्टी छुट्टी छोटी छोटे एयर हो सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करना मैं उसको सॉल्व कर दूंगा फॉर श्योर ठीक है अब जैसे ही मैं ये रूपीज टू थाउजेंड को लेके गया ठीक है डॉलर ट्वेंटी मिल गया मेरे को डॉलर ट्वेंटी मैं लेके जाऊंगा बैंक वाई के पास

और डॉलर से पहले रुपीज में कन्वर्ट करवा लूंगा यह लेके एक्स के पास जाऊंगा और रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करवा लूंगा मेरे पास दो हजार डॉलर था अब दो हजार दो सौ डॉलर हो गया है जादू इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द गेन क्या आप लोगों को समझ में आ गया गाइस सो दिस इज हाउ इज डन बट ये तो सर बहुत सिंपल था तो हम लोग है ना देख देख के लॉजिकली भी हम लोग मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा करेंसी रेट्स और उसका लॉजिक नहीं थी तो भी आप लोग कर पाओगे एग्जाम में तो सर बेड़ आस ये सब कॉम्बिनेशन आता है और तब सर हमारे को तो थोड़ा टेंशन आ जाता है तो सर उसके लिए कोई उपाय बताओ ना सर चलो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताता हूं स्टार्ट सो बेसिकली समझ में आ गया ना क्या हो रहा है एक जगह रुपीज था एंड एक्चुअली ट्राई करना एग्जाम के बाद देखो थोड़ा सा ये, ये सब चीजें अभी सीख रहे हो ना प्रैक्टिकली अप्लाई भी करो शेयर मार्केट का ट्रेडिंग एग्जाम के बाद थोड़े लेवल पे करेंसी ऑप्शन का ट्रेडिंग थोड़े लेवल पे आफ्टर एग्जाम ये सब करना पड़ेगा तब भी जाके एक इवॉल्वमेंट आएगा अदरवाइज खाली एग्जाम पास ही करना शुड नॉट बी द एंड इन टेंट इवेंचुअली तो कंपनी में काम करोगे तो ये सब चीजें पता भी तो होनी चाहिए प्रैक्टिकली करना चालू करो अभी से जो माइंड इवॉल्व होगा ना आपका नेक्स्ट लेवल सो यस डू इट आउट हंड्रेड एंड वन परसेंट दो बैंक का कभी भी करेंसी सेम होता ही नहीं है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ। इसके लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ फिर दिमाग लगाने का एंड करने का मेरा कमीशन ना भूलना एग्जाम के बाद जो भी कमाओगे ज्यादा नहीं है दस परसेंट या जोमेटो का एक चाय पानी का ऑर्डर कर दो यार अपने लिए अपन तो इसमें ही खुश है ही bank bank है फिर भी रेट अलग अलग क्यों है इम परफेक्ट कोटेशन का फायदा उठाएगा आर्बिट्रेजर चलो ये शेयर कमोडिटीज करेंसी किसी के लिए भी कर सकते हो यार क्या बात करके डन आओ आर्बिट्राज और स्पेक्युलेशन का डिफरेंस जरूरत नहीं है वैसे अपने को ये करने की बट फिर भी देख लेते हैं समझ लेते हैं क्या है आर्बिट्राज में श्योर sure प्रॉफिट ही होगा क्योंकि आपको इधर पता है कि एक का रेट है डॉलर हंड्रेड एक का रेट है डॉलर हंड्रेड ठीक है स्पेक्यूलेशन में आप प्रिडिक्ट करते हो प्रिडिक्शन आपके हिसाब से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है रियल में तो आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है मेन ये दोनों का डिफरेंस है साइमलटेनियस बाइंग एंड सेलिंग इन टू डिफरेंट मार्केट यहाँ पे जरूरी नहीं है साइमलटेनियो आप बाई कर लिया आपको लग रहा है कुछ टाइम के बाद बढ़ेगा तब आप सेल करोगे सो so वेटिंग भी हो सकता है, रिस्क प्री है यहाँ पे करना पड़ेगा आपको रिस्क, कुछ भी हो सकता है ठीक है दिस विल ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट बैठा बैठा दिख रहा है मैथ वीक हो तो अलग बात है बट बाकी तो प्रॉफिट ही होना है आर्बिटराज में इसमें कुछ भी हो सकता है मे और मे नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट प्रॉफिट पर ट्रांजेक्शन वेरी लो बट वॉल्यूम वेरी हाई आर्बिटराज में अमाउंट बहुत आई I मीन mean, जो प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा वो बहुत कम है इसके लिए बड़ा वॉल्यूम बड़ा होता है इसमें मतलब एक शेयर के ऊपर मुझे एक रुपया मिलेगा आर्बिटराज में बट मैं एक करोड़ शेयर्स लूंगा तो एक करोड़ शेयर इंटू एक रुपया प्रॉफिट और लॉस डिपेंड्स ऑन लिमिट ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर डिसाइडेड बाई द स्पेकुलेटर्स पर्सनल एनालिटिकल स्किल्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंस इन दिमाग नहीं लगाने का इसमें के ये हो सकता है ये ऐसा होगा फंडामेंटली टेक्निकली नो इधर सौ इधर एक सौ दस बाय करो सेल करो बात खत्म स्पेक्युलेशन <laughs> में आप दिमाग लगाओगे फंडामेंटली मुझे लग रहा है गोल्ड ऊपर जाएगा स्टॉक नीचे जाएगा ये वो सब समझ हो तो अब जो आप लोग को मेन चाहिए सर ये वाला तो आपने जो बताया वो सिंपल था एग्जाम में तो डिफिकल्ट आएगा रियल लाइफ में भी डिफिकल्ट आएगा तो अपने को क्या करना है आओ उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है लेट्स डू इट बैंक ए ने कोट दिया है क्या वन डॉलर इक्वल टू एटी फोर पॉइंट फाइव थ्री फाइव जीरो बी ने कोट दिया है एटी फोर पॉइंट में मुझे आर्बिट्राइज करना है तो मैं क्या करूंगा ये स्टेप्स को फिलहाल साइड पे रखो और मुझे तुम्हारा कॉमन सेंस चाहिए हार्ड कोर कॉमन सेंस चाहिए प्लीज अभी भी बोल रहा हूं कॉमन सेंस खुला रखना बिकॉज पूरा गेम कॉमन सेंस के ऊपर है सुनो बैंक ए ने ये कोट दिया है बैंक बी ने दूसरा कोट दिया है अपने को अब से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाख डॉलर है एक डॉलर है चलो एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास एक डॉलर है अब मैं क्या कर सकता हूं मेरे पास दो ही ऑप्शन है मैं एक काम कर सकता हूं कि बैंक ए से मैं बाय करता हूं सुनना ध्यान से समझना मेरी बात को मैं लॉजिकली पहले बता रहा हूं फिर इसको सॉल्व करेंगे मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों को दो ऑप्शंस बताता हूं दो ही चीज कर सकता हूं वैसे वैसे मेरे एग्जाम्पल में ये बैंक ए और बी नहीं रखा है मैंने इसको रखा है बार्कलेज। इसको रखा है सिटी सिटी। सुनो अभी मेरे पास दो ही ऑप्शन है बस मैं बाय फ्रॉम बार्कलेज सेल टू सिटी दूसरा ऑप्शन मेरे पास है करेक्ट बाय फ्रॉम सिटी सेल टू बार्कले तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के दिमाग लगा, बराबर है सर दोनों ऑप्शन ट्राई करो दोनों ऑप्शन ट्राई कर लो एक जगह पे बाय फ्रॉम बाकलेज अब सुनना ध्यान से जब आप बार्कलेज में बाय करने को जा रहे हो कहना से बाक्लेज सेल कर रहा है बाकलेज सेल किसमें करेगा 85.5450 पे तो ये रहा मेरा फर्स्ट सिचुएशन बाय एट बाज एंड सिटी सिटी विल पे सेल करने तो जब आप बाय करने को जाते हो बाकलेज में बैंक विल सेल 84.5450 पे समझ लो मैंने बाय किया बाय किया तो ये माइनस मैं क्या करूंगा इमीडिएटली जाऊंगा सिटी में सेल करने को मैं सेल कर रहा हूं बैंक बाय कर रहा है बैंक बिड पे बाय करेगा बराबर है तो ये एटी फोर पॉइंट फोर सेवन फाइव जीरो पे वो बाय करेगा मतलब बन गया वैसे ही मेरा उधर ऑप्शन टू में दूसरा ऑप्शन भी बनेगा समझ रहे हो क्या देखो मैं इसको है ना हाईलाइट कर देता हूं मैं गया बाय फ्रॉम बार्कलेस बाय फ्रॉम बार्कलेस तो ये ये ब्लू को ही हाईलाइट करता हूं तो जब मैं इधर बाय करने को गया ये मेरा बाइंग रेट हो गया ये मेरा इधर बाय हो गया और मेरे को सेल करने को जाना है तो ये मेरा सेल का हो गया and vice versa, and vice versa, जब मैं बाय फ्रॉम सिटी तो जब मैं सिटी में बाय बाय करने को जाऊंगा तो सिटी सेल कर रहा है ये उसका सेलिंग हो गया और ये उसका बाइंग हो गया बस अब रेड रेड और ब्लू ब्लू को देखो और देखो किसमें फायदा हो रहा है आपको कल एक 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 ध्यान रखना जब मैं बाय फ्रॉम सिटी कर रहा हूं तो सिटी सेल कर रहा है तो ये मेरे लिए बाय कर देता हूं एंड सेल टू बास कर रहा हूं तो जब वो बैंक सेल कर रहा है सेल टू बास कर रहा हूं तो बैंक बाय कर रहा है तो ये मेरे लिए तो सेल हो गया बस अब दोनों चीज आ गई एक ब्लू वाला देखो बाई फ्रॉम बार्कलेस एट एटी फाइव पॉइंट फाइव फोर फाइव जीरो मतलब मेरा पैसा गया और सेल मतलब पैसा आया एट एटी फोर पॉइंट फोर सेवन फाइव एंड रिवर्स एंड रिवर्स वाला चीज देखो बाय फ्रॉम सिटी एट एटी फोर पॉइंट फोर एट फाइव जीरो फोर एट फाइव जीरो पे मैंने बाय किया बाई किया तो ये मेरा इधर में पैसा गया तो माइनस डालता हूं बाकलेस, मतलब बाकलेस का ये मेरा बिड रेट हो गया ना करके भाई मैंने सेल किया तो बाकलेस ने बाय किया ना तो वो कितना रेट हो गया 84.5350 वो मेरा इधर प्लस आ गया मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है तो सीधी सी बात है यहाँ पे देखो एटी पे साला बाइंग है और 84.47 पे सेलिंग है नहीं चलेगा ये मेरे को लॉस हो रहा है इसमें बट यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे को 84.5350 पे मेरा सेल है एंड 84.4850 पे मेरा परचेज है ये ऑप्शन मेरे लिए फाइनल हो गया एंड मैं बोल दूंगा हो गया मेरा ये फाइनल एक्जिस्ट एंड वी विल एक्सेप्ट एक्सेप्ट द गिवन ऑप्शन एंड ये वाले केस में रिजेक्ट द गिवेन ऑप्शन समझे सो इन शॉर्ट आपको क्या करना है जब डुअल रेट दिया हो बराबर तो आपको पता है एक बाय दूसरा सेल दूसरा बाय दूसरा, दूसरा सेल बाय फ्रॉम बार्कलेस सेल टू सिटी जब मैं बाय कर रहा हूं बार्कलेस से बार्कलेस सेल कर रहा है तो मेरा जो बाइंग रेट है वो बाकलेस का आस्क ऑप्शन होगा कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना होना भी नहीं चाहिए आराम आराम से करो ये चाहिए तो नॉर्मल स्पीड पे ले आओ पांच मिनट फिर वन पॉइंट फाइव वापस कर देना हाँ पता है सो so, हाँ बाय फ्रॉम बाखलेस जब मैं कर रहा हूं तो बार्कलेस के लिए तो वो सेल है ना तो वो उसने आस्क ऑप्शन पे किया एटी फोर पॉइंट फाइव फोर फाइव जीरो तो मेरे लिए वो बाइंग हो गया बाइंग कभी भी मैं माइनस में लिखूंगा सेलिंग कभी भी मैं प्लस में लिखूंगा बस एंड यहां पे सेम वाई से वर्षा करो यू विल गेट द फाइनल आंसर सो आई होप इससे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे बस दो कोड्स दिया है एक का बाई डिफॉल्ट ही आपका वो सिस्टम बैठ जाएगा और सर पहले कहां से बाय कहां से, से, कहीं से भी करो क्या फर्क पड़ रहा है

ट्राइंगुलर आर्बिट्राज भी हो सकता है इसमें आपको यूज करना है ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब जब ट्राइंगुलर आर्बिट्राज दिया है तो आपको तीन करेंसी दी होगी जीबीपी रुपीज यूएसडी जीबीपी यूएसडी अपने को अभी क्या करना है दोनों सिचुएशन से तो यहां से लेके यहां पे सेल करना है यहां से यहां पे यहां से यहां पे और दूसरा यहां से यहां पे जाना है यहां से यहां पे जाना है यहां पे है, यहां पे जाना है, यहां पे यहां पे जाना है। दोनों में देखने का किसमें फायदा हो रहा है जिसमें फायदा हो रहा है एक्सेप्ट खत्म प्रॉफिट आ गया अच्छी बात है तो यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर ही करना है दो देखना है आपको एक जगह से बाय एक जगह से सेल दूसरी जगह से बाय दूसरी जगह से सेल एंड आपको जहां पे प्लस ज्यादा है वहां पे आपको एक्सेप्ट करना है दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट हो जाएगा यहां भी वही होगा एक जगह एक जो मैंने इधर रेड सर्कल किया है उससे प्रॉफिट होगा ग्रीन से लॉस होगा या वाई से वर्षा बस उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है एक एग्जांपल दिया है उसको सॉल्व करते हैं. Following are the quotes given. USD INR 48.3 in Mumbai, GBP INR 77.52 in London, GBP USD 1.6231 in New York. RBI के पास है USD dollar. ठीक है अब अगर RBI के पास है USD dollar तो उसके पास दो ऑप्शन हैं. वो यहाँ से USD dollar से पहले GBP में कन्वर्ट करवाए, GBP से रुपीस में करवाए, रुपीस से वापस USD dollar में करवाए. एक ऑप्शन में वो देखने का अगर एक लाख डॉलर से ज्यादा आया एक करोड़ डॉलर से ज्यादा आया तो वो बेटर है फिर दूसरा अगर वो नहीं आया देन इन दैट केस दूसरा लेने का क्या अभी यूएस डॉलर से रुपीस पे जाओ रुपीज से जीबीपी पे जाओ जीबीपी से वापस यूएसडी पे आओ समझे कि नहीं एवरीबॉडी सो so, अब यहां पे भी ये उल्टा यूएस डॉलर से रूपीज रूपीज से जीबीपी यूएस डॉलर से रूपीज रुपीज से जीबीपी जीबीपी से, से, से यूएस डॉलर

आपके पास दस एक करोड़ ग्यारह लाख एक करोड़ से ज्यादा है सो इन शॉर्ट मेरा ये सिस्टम ही बराबर बैठ रहा है और अपने को है ना यहां ये लोग ने डायरेक्टली किया है बट अपने को क्या करने का ऐसा लिख लेने का हूं शर् नहीं करने का अपने को ऐसा लिख लेने का दैट वन डॉलर इक्वल टू रुपीज या से अपने को ऐसा लिख लेने का वन जी बी पी Is equal to dollar सामने अपने पास है फॉर एग्जाम्पल नाइनटी थाउजेंड जी बी पी तो कितना ऐसे एक करते करते तुम लोग को जाना है एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर यू विल गेट द फाइनल आंसर इसी के साथ मेरा आर्बिट खत्म होता है ड्यूअल आर्बिट भी ट्राइंगुलर आर्बिट भी वाह वाह क्या बात नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है जिसको बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजेक्शन कवरिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना देखो अगर समझो आपका का दुकान दुकान है संडे को आपके के दुकान में सौ शर्ट थे संडे को सुबह सौ शर्ट थे बहुत सारे पब्लिक आई आपके यहां से शर्ट खरीदा सेवेंटी शर्ट खरीद लिया और खरीद के गई मंडे को आप सबसे पहली चीज क्या करोगे आप कॉल करके बोलोगे भाई इधर रिफिल कर मेरे पास अभी यार कोई कस्टमर आएगा तो बेच क्या मेरे पास स्टॉक ही नहीं बचा है सेम वे ज्वेलरी वाले भी करते हैं सिर्फ उनके पास ज्वेलरी है संडे को बहुत सारे लोग आए ज्वेलरी खरीदी गए तो उनको रिफिल करना पड़ेगा तो जब क्लोथ्स वाला ज्वेलरी वाला अपने स्टॉक को रिफिल कर रहा है सेम चीज करेंसी वाला भी तो करेगा तो हो सकता है कि जब कोई फॉरवर्ड्स में एंटर करे तो से फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में जाता हूं और बैंक में बोलता हूं कि भाई मेरे को वन लाख डॉलर चाहिए थ्री मंथ्स के बाद तो अगर मेरे को वन लाख डॉलर चाहिए देन इन दैट केस मैं बैंक को रुपीज दूंगा बैंक मेरे को डॉलर देगा पर बैंक वो अरेंज कहां से करेगा तो बैंक क्या कर लेगा एक इंटर बैंक कवरिंग ट्रांजेक्शन कर लेगा तो बैंक ने आपको वन लाख डॉलर सेल करने का कमिट दिया है बैंक सामने एक इंटर बैंक में वन लाख डॉलर परचेज का ट्रांजेक्शन कर लेगा उसको बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजेक्शन तो मैंने क्या किया एक लाख डॉलर मैं सेल करने वाला हूं आज से तीन महीने बाद बट मैं कवर्ड हूं तो मैं क्या करूंगा ना तो इट इज एट अ हायर रेट जब बैंक इंटर बैंक के साथ डील कर रहा है ना तो इट इज एट अ लोअर रेट तो मेरे को सीधा सीधा फायदा भी हो जाएगा ये कवरेज करने का मेरे को फायदा भी हो जाएगा अब आप बोलोगे सर उल्टा हुआ तो समझो कस्टमर आप बैंक के पास परचेस करने के लिए आ रहा है तो तो इन शॉर्ट तो मैं कस्टमर को डॉलर सेल कर रहा हूं नहीं तो मैं डॉलर परचेज करके तो उल्टा हुआ उल्टा हुआ कस्टमर बोल रहा है वो आके आपको डॉलर सेल करेगा ठीक है वो भी हो सकता है भाई हो सकता है कोई एक्सपोर्टर हो तो वो एक्सपोर्टर को एक लाख डॉलर मिला तीन महीने बाद एक लाख डॉलर मिलने वाले वो एक लाख डॉलर बैंक के पास लेके आया और बैंक को बोलते ले बैंक एक लाख डॉलर like ले अब बैंक एक लाख डॉलर का क्या करेगा तो बैंक सामने फॉरवर्ड में कवर करने के लिए एक सेल ट्रांजैक्शन मार देगा तो मैंने परचेस किया सामने मेरा एक सेल ट्रांजेक्शन आया इमीडिएटली गया हिसाब जीरो या उल्टा मेरे को देना है सेल परचेज परचेज सेल इन शॉर्ट रिवर्स ट्रांजेक्शन इंटर बैंक में मार देने का उसको बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजेक्शन जब कपड़े वाला ज्वेलरी वाला कर रहा है सेम चीज करेंसी वाला भी तो करेगा और करेंसी वाले को तो ये कवरिंग में फायदा ही फायदा होगा क्योंकि उसको सेल करना है या बाय करना है कस्टमर के पास विद साथ विच इज ऑलरेडी अ हायर रेट और जब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है ना देर इज लोअर रेट बैंक बैंक मतलब भाई भाई तो वो लोग क्या लोअर रेट में ट्रांजेक्शन होता है समझ रहे हैं आप लोग विल ऑलवेज रिजल्ट इन फायदा सो यहाँ पे कवरिंग द ट्रांजेक्शन समझ गया होगा आपको वेनिमर बिजनेस सेल्स इज गुड्स टू अ कस्टमर इट विल ट्राई टू रिप्लेस सोल्ड गुड्स

मार्जिन है ही नहीं ये लोग दोनों के बीच में फ्री मार्जिन फ्री यहाँ पे तो आप बाइंग पे, पे पे ले रहे हो पार्टिकुलर करकेट इज मोस्ट प्रोफिटेबल इन शॉर्ट काउंटर पोजिशन लेना है सेल हो या बाय हो कस्टमर आपके पास सेल कर रहा है इधर बाय ले लो कस्टमर बाय कर रहा है इधर सेल ले लो ठीक है नॉर्मल ट्रांजेक्शन कस्टमर बाइज फॉर एक्स फ्रॉम अ डीलर Covering the the transaction bank 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 buys the forex with some other dealer or bank. Bank buy cover bank sell vice versa ट्रांजेक्शन बैंक बायर डीलर सा फिर वो हमें जिसको बोलते हैं अब क्या होता है सिर्फ एग्जाम्पल बैंक इंपोर्टर हूं बहुत बड़ा इंपोर्टर हूं और मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं अब मैंने गुड्स इंपोर्ट कर दिया मेरे को पेमेंट करना है तीन महीने बाद पॉसिबल है यस सर पॉसिबल है ठीक है अब यहाँ पे जब मेरे को पेमेंट करना है एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे पास दो ऑप्शन होता है मैं ऑन द स्पॉट मेरे लोकल बैंक से लोन ले लू और मेरा जो एक्सपोर्टर है जिससे मैंने इंपोर्ट किया मेरा जो एक्सपोर्टर है, उसको पेमेंट कर दू फॉरेन करेंसी में मेरा हिसाब खत्म और मैं इसको इंटरेस्ट देते जाऊं मेरे लोकल बैंक को या दूसरा ऑप्शन है मेरे एक्सपोर्टर को मैं बोलू सुन मैं तेरे को थोड़े टाइम बाद पेमेंट दूंगा पर उस दिन पे अगर फॉरेक्स करेंसी आपके फेवर में नहीं रहा तो वो आपका रिस्क है बस इसी को बोलते हैं लीडिंग लीडिंग एंड लैगिंग का मतलब है टू बी प्रोएक्टिव आज का आज ही लोन ले अपना जो एक्सपोर्टर है उसको हिसाब सेटल कर दो तो मेरे आज का आज ही उसको पेमेंट कर दिया ना तो मैं फॉरेक्स का जो रिस्क है उससे दूर हो गया अब मेरे को खाली इसको इंटरेस्ट देना है लैगिंग का मतलब होता है डिले करना मैं मेरा करेंसी का पेमेंट डिले करूंगा तो हो सकता है फॉरेन करेंसी रिस्क कैन बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर मी उसको बोलते हैं लैगिंग अब आपके ऊपर है आप कौन सा रिस्क लेते हो एंड दैट्स हाउ यू कैन मूव ऑन लीडिंग टू डू इमीजिएटली लैगिंग टू डू लेटर ठीक है सो so अपनी पढ़ाई के जैसा है बाबा क्या करते हैं अपन लोग पढ़ाई में लीडिंग या लैगिंग देना दो चीज है एक होता है खेलना और दूसरा होता है पढ़ाई लीडिंग and lagging. लीडिंग लीडिंग एंड लैगिंग खेलना सोशल मीडिया सर्फिंग बराबर है टाइम पास लीडिंग पढ़ाई <laughs> चलो लैगिंग टू डू लेटर एल एन एल रिफर्स टू टाइमिंग ऑफ पेमेंट डीलिंग और एडवांसिंग ऑन एन इंटरनेशनल बिजनेस टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल और एंटीसिपेटेड एक्सचेंज रेट चेंजेस अपने पास एक इंपोर्टर आएगा एक चार्ट अकाउंटेंट के पास और बोलेगा कि भाई मैं क्या करूं लीडिंग करूं लैगिंग करूं मैं देखूंगा कि फॉरवर्ड में रेट्स क्या चल रहा है उस हिसाब हिसाब से से मेरा फॉरेन करेंसी के टोटल पेमेंट अगर मैं लैग करता हूं तो कितना जाएगा और मैं देखूंगा कि अगर मैं लीड करता हूं आज का जी पेमेंट करता हूं तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना जाएगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो मैं क्लाइंट को सजेस्ट करूंगा काम खत्म हो गया लीडिंग एंड लैगिंग व्हेनेवर एनी पेमेंट इज ड्यू बाय इंपोर्टर द इवैल्यूएशन विल बी डन बेस्ड ऑन सिनेरियोस पॉसिबल पहला पे नाउ बाई टेकिंग लोन इन होम करेंसी प्लस इंटरेस्ट पे लेटर बट एट करेंसीज रिस्क अकॉर्डिंगली वी नीड टू वैल्यूट दिस पेमेंट और रिसीव बियॉन्ड द नॉर्मल डेट बट आप यहाँ पे फॉर एक्स का रिस्क ले रहे हो बस यही चीज है इसको खाली एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में मैंने यहां पर बताया एक संभी लिया है ताकि तुम लोग का साथ में समी हो जाए करके ओपन दिस अब ये लीडिंग एंड लैगिंग को समझने के लिए ना व्हाट वी विल डू इज मैंने एक एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल से आप लोग समझ जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है आ जाओ लिमिटेड आईसीएआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन है तो एक साथ एक तीर दो लिमिटेड इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम जापान एट अ कॉस्ट ऑफ थर्टी फोर हंड्रेड लैक बल क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट रुपीज और आज का, का दिया है कमीशन चार्जेस दिया है टू परसेंट क्या करना चाहिए लीड या लैक पहले मैं आप लोगों को दोनों का मतलब समझाता हूं पहला है जो रेड में हाईलाइट किया है कि भाई आज का, मेरे मेरे का इंटरेस्ट ले ले और बात खत्म कर बराबर दूसरा है ओपनिंग ऑफ एबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो बताता हूं बट पहले रेड वाला तो आज ही अगर मैं बैंक के पास गया इंडिया के बैंक के पास गया और उसको जाके बोला यार आज का आज ही मेरे भी तो इनडायरेक्टली वो मेरे लिए कितना भर रहा है तो आज का अगर मेरा रुपीज 100 340 येन का रेट है एन थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैख एन भरना है तो कितने रुपीज की जरूरत पड़ेगी सो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू वन हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री फोर्टी मैं करता हूं, तो कहना आ जाता है रूपीज में तो ये आ जाएगा रुपीज ये आ जाएगा रुपीज वन थाउजेंड लैख तो मेरे बिहाफ पे आज का आज ही वो लोकल बैंक वन थाउजेंड लैख रुपीज से थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैख रेडी करता है और मेरे को दे देता है मैं इमीजिएटली मेरे जापान का जो एक्सपोर्टर है उसको भेज देता हूं हिसाब क्लियर अब आज मेरे भी हाफ पे मेरे इस बैंक ने वन थाउजेंड लाख रुपीज दिया मेरे को और उससे थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैख दिया तो अब मेरे को इंटरेस्ट ये वन थाउजेंड लाख के ऊपर भरना पड़ेगा कितना वो लोग ने बोला है उसने बोला एटीन परसेंट पर एनम पर मेरे को चाहिए वन एटी डेज के लिए क्योंकि जो देखो लीड और लैग दोनों कंपेरेबल कब होगा जब सेम ड्यूरेशन के लिए होगा तो लैग वन एटी डेज के लिए तो यहां पे मैं 180 डेज के लिए लूंगा बट उन्होंने बोला है पर एनम विद क्वार्टरली रेस्ट मतलब हजार लाख के ऊपर पहला क्वार्टर 180 डेज मतलब दो क्वार्टर होता है 90 डेज वन क्वार्टर 90 डेज वन क्वार्टर डेज आर डेज एमएल डेज 90 डेज 90 डेज 90 डेज 90 डेज तो मेरे पास इधर चार क्वार्टर आ गया तो पहला जो क्वार्टर है 90 डेज का उसका 18% पर एनम है तो 18 3 12 बेसिकली 4.5% हो गया करके सो so, 4.5% के हिसाब से 4.5% के हिसाब से आई विल से मेरा 1000 लाख के ऊपर इंटरेस्ट गया 45 सो so, 1000 लाख इनटू 4.5% ये गया 45 1000 थाई प्लस 45 का भी और इंटरेस्ट चढ़ गया उसके ऊपर इनटू 4.5% तो 4 47.03 करते करते टोटल 180 डेज के बाद आउटफ्लो इन रुपीज आ गया 1092 पहला गेम हो गया क्लियर अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1000 ऐसे करके भी कर सकते हैं इट विल कम टू द सेम फिगर विच इज वन ये हो गया लीड मतलब आज का आज ही मैंने मेरे सन लिमिटेड मेरा जो एक्सपोर्टर है जापान में उसको पैसा भेज दिया थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक एंड इधर मेरे इंडिया वाले के साथ मैं कनेक्शन करके इसको क्लोज कर रहा हूं अब मेरे पास आता है ऑप्शन टू जहां पे मेरे को बोला है कि भाई आप अपना पेमेंट को लैग कर दो अब जब मैं पेमेंट को लैग करता हूं ना तो यहां पे दो तरह की चीजें मेरे को ध्यान में रखनी पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना एक है कमीशन और दूसरा है इंटरेस्ट जी हाँ। तो एक तो अपने को देना है इंटरेस्ट दूसरा अपने को देना है कमीशन कमीशन का है लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या आपने क्वेश्चन को बराबर से पढ़ा था अगर पढ़ा था तो आपको दिखेगा कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट है अच्छा कोइंसिडेंटली इंटरेस्ट भी एट द रेट टू परसेंट है पर एन फॉर वन एटी डेज कमीशन भी एट द रेट टू परसेंट है पर एन फॉर आई थिंक वन एटी डेज राइट ओ राइट ओ राइट अब देखते हैं द कंपनी एज एन ऑफर फ्रॉम ब्रांच बेस्ड इंडियन ब्रांच एक्सटेंडिंग क्रेडिट फॉर वन एटी डेज एट टू परसेंट पर एन एम अगेंस्ट एन ई रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट सो इंटरेस्ट अभी देखो कितना देना है अपने को टू परसेंट देना है क्यों भाई वन एटी डेज के बाद पेमेंट करने वाले तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही तो कितना इंटरेस्ट लगेगा तो ये देखो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक येन है मल्टीप्लाई बाय टू परसेंट का इंटरेस्ट पर बोलो बोलो चल चल तो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू टू परसेंट इन टू वन एटी डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी फाइव ये आ गया थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू टू परसेंट

कमीशन भी तो देना पड़ेगा बट कमीशन कितना देना है एट द रेट टू परसेंट पर ना तो दो कमीशन दो बट कमीशन दे कैसे कमीशन देने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए सुनो एक बात समझो यहाँ पे जब मेरे को बैंक को पैसा देना है तो मैं वन एटी डेज के बाद दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है पैसा होता तो आज ही ना दे देता ठीक है बट अभी कमीशन भी देना पड़ेगा तो कमीशन भी अपन लोग लोन पे ले लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है सही है अच्छा पर कमीशन देना कितना है वो तो पता चले सो वी विल से भाई थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक्स का यहां पे अपने को पेमेंट करना है ठीक है अब ये कमीशन किसको देना है अपने को ये अपन देंगे अपने इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आ, इसको इंडियन बैंक को देंगे अपन कमीशन क्यों क्योंकि क्यों वो अपने लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोल रही है सर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसी चीज है जहां पे इंडियन बैंक अपने लिए मतलब लिमिटेड के लिए बोल रही है कि यार ये लिमिटेड अच्छी कंपनी है और ये पूरा का पूरा पैसा टाइम पे दे देगी आप इसका टेंशन मत लो हम इसकी गारंटी लेते हैं तो वो जो गारंटी ले रही है ना उस गारंटी के लिए आपको लिमिटेड को इंडियन बैंक को एक कमीशन देना है तो आप कितना कमीशन दोगे यहाँ पे थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक्स का कमिटमेंट ले रहा है वो गारंटी ले रही है इंडियन बैंक तो थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक्स एन का मतलब अगर देखूं तो कितना होगा तो मैं बोलूंगा कि बॉस अगर मेरा यहाँ पे सो रुपया इज इक्वल टू थ्री फोर्टी एन सौ रुपया इज इक्वल टू थ्री फोर्टी एन स्पॉट पे तो कितना रुपीज हुआ तो इटव थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री फोर्टी एंड इट विल बी वन थाउजेंड लैक ये अरे पूरा वन थाउजेंड लैक नहीं बाबा आराम से ये वन थाउजेंड लैक का ये वन थाउजेंड लैक का अब अपने को कितना कमीशन देना है सो अपन बोलेंगे वन थाउजेंड लैक रुपीज रूपीज वन थाउजेंड लैक्स का दस पर नहीं, एक परसेंट दो परसेंट पूरे साल का है बाबा तो इन टू से एक वन एट्टी डिवाइड बाय ले लो थ्री सिक्सटी ले लो तो कितना हो गया इनटू टू परसेंट इन वन एटी डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी ये हो गया दस लाख रुपया तो दस लाख रुपया अपने को कमीशन देना है बट ये कमीशन देने के लिए भी पैसा अपने पास नहीं है तो ये दस लाख भी अपन लोग लोन पे ले लेंगे ठीक है अच्छा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो इंडिया में तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एटीन परसेंट इंडिया में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एटीन परसेंट सो यहां पे अपन बोलेंगे कि भाई एटीन परसेंट तो बारह महीने का है तो छह महीने का कितना हुआ नाइन परसेंट सो टेन लैख इनटू एटीन सॉरी परसेंट इंटू वन एटी डिवाइड बाई थ्री सिक्स नाइनटी थाउजेंड सो टोटल पेमेंट कितना है टेन लैक नाइंटी थाउजेंड यह हो गया कमीशन का पेमेंट थोड़ा सा अपन जगह बना लेते हैं डोंट वरी थोड़ा सा जगह बना लेंगे तो yes. so, ये बहुत ही क्रूशियल गाइस कैलकुलेशन था so, इसके लिए मैंने ये सम कर लिया यह समय का सम आ सकता है इसलिए मैंने यहां ले लिया तो इन शॉर्ट अब आपको क्या क्या पे करना है आपको पे करना है थ्री फोर जीरो, जीरो येन प्लस प्लस थर्टी थ्री पॉइंट फाइव थ्री लैक एन प्लस थर्टी थ्री पॉइंट फाइव थ्री लैख एन मतलब थ्री फोर थ्री थ्री पॉइंट फाइव थ्री लैख एन बट आफ्टर वन एटी डेज तो मैं आज ही फॉरवर्ड में एंटर कर लूंगा सो फॉरवर्ड रेट क्या है हंड्रेड फॉर थ्री फोर्टी फाइव सो रुपीज हंड्रेड फॉर थ्री फोर्टी फाइव एन मुझे छह महीने बाद थ्री फोर थ्री थ्री पॉइंट फाइव थ्री भरना है तो मुझे कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी बेटा करो क्रॉस मल्टीप्लाई सो थ्री फोर थ्री थ्री पॉइंट फाइव थ्री इंटू हंड्रेड डिवाइड बाय थ्री फोर्टी फाइव इट विल बी नाइन नाइन फाइव पॉइंट टू थ्री लैख रुपी प्लस प्लस, प्लस। कमीशन कमीशन तो रुपीज में ही है थाउजेंड ये तो रुपीज में ही आया हुआ है प्लस रुपीज टेन पॉइंट करो इसको टोटल ऐड करो ऐड करो तो देखो कितना आपका टोटल आ जाता है उतना मेरा जाएगा अगर मैं ये इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट लेता हूं तो नाइनटी नाइन पॉइंट टू सॉरी नाइन नाइन फाइव पॉइंट टू थ्री प्लस टेन पॉइंट नाइन कितना आ गया रुपीज वन थाउजेंड सिक्स पॉइंट वन थ्री लैक्स और पहले वाले में कितना जा रहा था और पे वन सिक्स। मैं बोलता हूं थाउजेंड सिक्स सस्ते वाला डील है अपन लोग इसको ही उठा लेते हैं ध्यान रखना आप दो कैलकुलेशन मैंने बोला है यहाँ पे एक इंटरेस्ट क्यों इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्योंकि मैं जो पेमेंट आज ड्यू हो गया उसको मैं कब पे कर रहा हूं डेज के बाद चलो दो टके का इंटरेस्ट दो तो दो टके का इंटरेस्ट जो मेरे को देना है डेज के बाद वो आता है थर्टी थ्री लैख लिखना मत बोलो भाई येन इन शॉर्ट इन शॉर्ट वन एटी डेज बाद टोटल इतना येन देना है आज ही फॉरवर्ड कवर ले लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 180 एटी कितना लाख रुपीस देना है पता चल गया सामने कमीशन भी देना है बट कमीशन देने के लिए भी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है यार बराबर है तो अगर वो भी पैसा नहीं है तो डोंट वरी आज ही देख लेते हैं कि कितना है उसको भी लोन पे ले लेते तो मेरे को कमीशन देना कितना है तो थ्रीड लैक के ऊपर मेरे को देना है दो टका फॉर वन ईयर मतलब वन टका फॉर सिक्स मंथ वन एटी डेज तो वो मैं रुपीज में करता हूं तो आता है टेन लैख टेन लैख के ऊपर अगर मैं कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आता है टेन लैख नाइन्टी थाउजेंड एंड माई आंसर कम्स सो दो चीजें ध्यान रखनी है एक तो इंटरेस्ट और दूसरा आ, लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट डन चलो ठीक है सो ये मेरा कमीशन वाला पार्ट हो गया इधर समझे कमीशन के लिए भी पैसा नहीं है पैसा ही नहीं है मेरे पास आज की तारीख में इसलिए तो ऊपर भी लोन लिया पूरा तो कोई बात नहीं उसके लिए कमीशन के लिए भी लोन लेना

एक्सचेंज रेट देख लो भाई क्या बैठ रहा है पे, पे, ये सम कर लिया ना, तो लीड एंड लैग आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट पैरिटी सो दो कॉन्सेप्ट है अभी कनेक्टेड इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेसिंग पावर पैरिटी दोनों को साथ में कनेक्ट करके करवा दूंगा बहुत इजीली हो जाएगा अब एक बात समझ में एकदम क्लियर रखना कि क्यों क्यों ऐसा हुआ हुआ कि 1947 में में आज 2025 में, $1 is equal to 85. उसका रीजन इज द इंटरेस्ट रेट्स जी हाँ इंडिया का इंटरेस्ट रेट इज मच हायर एज कंपेयर टू यूएसए का इंटरेस्ट रेट है वन परसेंट टू परसेंट इंडिया का इंटरेस्ट रेट है सेवन परसेंट एट परसेंट तो ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट है ना तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जितना इंडिया इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेगा ना उतना इंडिया का रुपीस का जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट होगा या मैं ऐसा बोलू तो जितना कम इंटरेस्ट रेट डॉलर का है उतना उसका सामने उतना उसका सामने फॉरेक्स रेट्स में अप्रिसिएशन होगा और ये होते 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 आज वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव रुपीज के कगार पर आ गया है So, एक जगह का इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है किसी कंट्री का तो उसका करेंसी डेप्रीसिएट होगा और अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम है तो उसका करेंसी सामने अप्रिसिएट होगा जी हाँ फॉर श्योर बीच में टर्की का इंटरेस्ट रेट फॉर क्यों आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे बस उसी को कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी बट सर ऐसा क्यों ऐसा इसके लिए क्योंकि अदरवाइज क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या कहूंगा पता है मस्त में यूएसए से लोन बोरो बोरो कर लूंगा लोन ले लूंगा इंडिया में आके इन्वेस्ट कर दूंगा वहां पे बोरोइंग रेट है वन परसेंट टू परसेंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट है एट परसेंट तो वहां से लिया यहां पे इंडिया में आके मस्त में एट परसेंट कमाया और कमा के फिर वापस से रिकन्वर्ट कर दिया यूएसए में जाके बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो करेंसी है वो सामने उतने परसेंट से से डेप्रीसिएट हो गया है तो ये कोई का काइंड ऑफ बेनिफिट ना ले पाए इसके लिए ऑटोमेटिकलीर इट बिकम इंटरेस्ट रेट पैरिटी इन द मार्केट एंड 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 इंटरेस्ट रेट विल गेट ऑटो एडजस्टेड बाय द चेंज इन फॉरक्स रेट समझी कहते अकॉर्डिंग टू को इंटरेस्ट रेट डिफरेंट बिटवीन टू कंट्रीज इज रिफ्लेक्टेड इन इट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट अगर आपका इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपका फॉरवर्ड रेट डिप्रिसिएट होगा एंड वाइस वर्सा IRP प्लेज एन एसेंशियल रोल इन फॉरन एक्सचेंज मार्केट बाई कनेक्टिंग इंटरेस्ट रेट स्पॉट रेट एंड फॉरन एक्सचेंज रेट देखते हैं एग्जाम्पल जब इंडिया का इंटरेस्ट रेट्स है टेन परसेंट यूएसए का है फोर परसेंट हेलो फॉरेक्स रेट अपना रिवर्स हो गया वन डॉलर हंड्रेड था वन डॉलर हंड्रेड एंड सिक्स हो गया देखो इंटरेस्ट इंडिया का सिक्स परसेंट से फॉरेक्स में डेप्रीसिएशन हो गया बट यहां पे इंडिया का इंटरेस्ट रेट छ परसेंट से बढ़ भी गया <laughs> बोलो गई भैंस पानी में मतलब अपने को लगा इधर वाओ यूएसए से बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं हेलो बट जैसे ही आप वो करेंसी का कन्वर्जन करोगे आपको रियलाइज होगा अला ये तो सब सेम टू सेम हो गया है ये तो सब सेम टू सेम हो गया है समझ में आ गया क्या तो जैसा यहां पे मैंने लिखा है डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली इक्वल टू द फॉरेक्स रेट

रिलेशन किसके साथ है हेलो फॉरेक्स रेट के साथ है कंट्री ए है कंट्री बी है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस यहाँ पे फॉरेक्स और स्पॉट रेट के डिफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे आ जाते हैं कम वन डॉलर फिफ्टी है इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट है यूएसए का टेन फाइव परसेंट है बाई डिफॉल्ट ऐसा सेट होगा ना कनेक्शन कि अभी अगर ये जो वन डॉलर इक्वल टू फिफ्टी है तो अब इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इंडिया का करेंसी डेप्रिसिएट होगा मतलब वन डॉलर इक्वल टू फिफ्टी से ज्यादा होगा ऐसा बैठेगा कि एवरीथिंग विल मैच परसेंटेज वाइज सो यहां पे देखो uh, क्या हो जाएगा आपका आफ्टर वन ईयर यस द इंटरेस्ट द फॉरेक्स रेट विल बिकम फिफ्टी टू पॉइंट बाय डिफॉल्ट वो मैच हो ही जाएगा नहीं हुआ आर्बिट्रेज जो भी आगे अपन लोग पढ़ेंगे सो देखो अपन क्या करेंगे बोरो कर लेंगे यूएस में क्योंकि यूएस में सस्ता है रेट्स है बोरो करके इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में क्योंकि इंडिया में बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है कर लिया अब यहाँ पे जैसे ही मैं कन्वर्जन के लिए जाता हूं ये जो वन डॉलर वन जीरो फाइव जीरो है ये मेरे को पे ऑफ करना पड़ेगा तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज है ये वन जीरो फाइव जीरो से इसको पे ऑफ करता हूं तो मेरा करेंसी रेट बैठेगा एग्जैक्टली फिफ्टी टू पॉइंट थ्री वन थ्री एट वन विच इज

तो मैं दोनों साइड पे वन जीरो फाइव जीरो के साथ डिवाइड कर सकता हूं तो मेरा इधर आ जाएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड बाई वन जीरोक्वल टू रुपीज थ्री एट का रेट मिलता है हेलो इससे मुझे फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट का रेट मिलता है अब क्या हुआ पता है क्या यहाँ पे आप लोगों को ये देखो मैं आपको लॉजिकली बताता हूं क्या हुआ ये डॉलर वन था यस इज इक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट पता है कैसे हो गया 55,000 upon 1050. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बेसिकली आपका फॉर्मेट या यू कैन से फॉर्मूला बैठेगा फॉरवर्ड रेट विल ऑटोमेटिकली शुड बी इक्वल टू स्पॉट रेट जो अभी मेरा है 50 इंटू वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक और वेरिएबल करेंसी विच इज इंडिया अपॉन वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन और बेस करेंसी यस दैट इज हाउ द होल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड रेट यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी विल बी क्या स्पॉट इंटू वन प्लस इंटरेस्ट रेट किसका वेरिएबल करेंसी अपॉन वन प्लस इंटरेस्ट रेट किसका बेस करेंसी का समझ गए ओके अब ड्यूरेशन इंटरेस्ट रेट ड्यूरेशन अगर लेस देन वन ईयर है तो इधर अपने को ऐसा मल्टीप्लाई करने का वन प्लस से थ्री परसेंट एट परसेंट है तो जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू एन बाय ट्वेल्व समझे बट अगर इफ इट इज मोर देन वन ईयर तो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट रेस टू टू रेस टू थ्री से तीन साल का कुछ दिया हुआ है तो रेस टू थ्री समझे उ यू सोल्व द क्वेश्चन तो मेरे को क्या फॉर्मूला समझ गया आई आर पी को लेकर मैंने क्या फॉर्मूला बना लिया बेटा आई आर पी इंटरेस्ट रेट पैरिटी को लेकर मैंने फॉर्मूला बनाया फॉरवर्ड रेट हेलो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय वन प्लस इंटरेस्ट रेट दोनों का वन प्लस इंटरेस्ट रेट किसका लेना है वेरिएबल करेंसी का एंड बेस करेंसी का बट इंटरेस्ट रेट किस बेसिस पे मेरे को लेना है इंटरेस्ट रेट आई हैव टू टेक इट से अगर मंथली है तो इनटू थ्री मंथ बाय ट्वेल्व मंथ और अगर इला है तो वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट रेस टू टू रेस टू थ्री एस द केस में भी सेम चीज नीचे भी मेरा एप्लीकेबल हो जाएगा सो yes, एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन ये अपने कैलकुलेट करना आता है ना अभी लोग एक कंट्री का और दूसरे कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है और उसका जो फॉरवर्ड में प्रीमियम है वो सेम होना चाहिए परसेंटेज अगर सेम है तो ठीक अगर वो दोनों सेम नहीं है इट विल गिव राइज टू आर्बिट्राज सो वन ईयर फॉरवर्ड रेट आ गया मेरा एनुअल फॉरवर्ड मार्जिन हिसाब से फोर पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट सो मेरा फॉरवर्ड so, रेट और फॉरवर्ड मार्जिन का जो परसेंटेज है वो सेम ही होना चाहिए अगर नहीं है तो क्या आएगा आर्बिट्राज आएगा समझे आर्बिट्राज आएगा अब ये देखो छोटा सा एग्जाम्पल भाई यहां पे दिया हुआ है वन यूरोक्वल टू वन पॉइंट थ्री फोर थ्री फाइव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है यूएसए का जर्मनी का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है अपने को कैलकुलेट करना है थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट अपने को कैलकुलेट करना है थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट वी कैन डू इट बाय अपलाई फॉरवर्ड रेट अपने को आई आर पी और ये सबसे करता ही है सो थ्री बाय ट्वेल्व मंथ फॉरवर्ड रेट है वैसा ठीक है यूरो बेस करेंसी सो अपन लोग ने इंटरेस्ट रेट इधर ऊपर वेरिएबल करेंसी यूएसए का लिया है और नीचे बेस करेंसी का लिया है इज़ यूरो और फिर इसके बेसिस पे हेलो इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है एनोलाइज फॉरवर्ड मार्जिन टन 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 ठीक है बट अगर एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट डिफरेंस बट इफ इट इज नॉट इक्वल इफ इट इज नॉट इक्वल आ गया हमारा समथिंग कॉल्ड एज आर्बिट्राज और इसको कहते हैं कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज तो सबसे पहले कब होगा ये आर्बिट्राज कैसे पता चलेगा तो चेक वेदर एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड मार्जिन मतलब जो प्रीमियम चल रहा है वो मेरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के साथ मैच होता है कि नहीं अगर नहीं हो रहा है तो पता चल गया मुझे कि आर्बिट है अब कब क्या करना है उसका मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मुला निकाला है तुम लोग के लिए तुम लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो डिराइव अभी, अभी नहीं होगा डिराइव डिटेल लेक्चर में क्या हुआ है बट समझना क्या कि अगर फॉरवर्ड मार्जिन इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो आपको बोरो करना है वेरिएबल करेंसी में इन्वेस्ट करना है बेस करेंसी में एंड वाइस से वर्षा अगर afm annualized forward margin is less than the interest rate differential तो आपको बोरो करना है बेस करेंसी में इन्वेस्ट करना है वेरिएबल करेंसी में दो तीन सम करोगे ऑटोमेटिकली ये चीज सेट हो जाएगी बाकी लॉजिकली करना है तो मेरा डिटेल लेक्चर भी मैंने बनाया है इंटरेस्ट ये सॉरी इंटरेस्ट रेट पैरिटी के ऊपर youtube पे ही है वो आप लोग देख सकते हो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सो यहां पे बेसिकली करना क्या है बोरो इन वन कंट्री एंड इन्वेस्ट इन अदर कंट्री भाई इवेंचुअली तो वही गेम है इंटरेस्ट रेट का और सेम होता अगर मैच हो जाता मेरे फॉरेक्स रेट के साथ तो सब नलीफाई हो जाता मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्बिट्राज मेरे को मिल जाएगा बट कहां पे बोरो करना है कहां पे इन्वेस्ट करना है वो इधर से पता अगर ए एफ एम एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन ग्रेटर है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से तो आप वेरिएबल करेंसी में बोरो करेंगे और अगर ए एफ एम लेस है तो आप वेरिएबल करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे या बेस करेंसी में बोरो करेंगे तो बोरो करना है एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन है थ्री परसेंट पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है से टू परसेंट सॉरी फोर परसेंट से फोर परसेंट तो आपको समझ जाना है दैट एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन इज लेस देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल चलो बेस करेंसी में बोरो करो क्लियर है बॉरोडी यही करना है एक जगह पे बोरो करना है कन्वर्ट बोरोड करेंसी इनटू अनदर करेंसी एंड चलो ना एक एग्जांपल है मेरे पास उसके थ्रू आप लोगों को ये करवा देता हूं एक्सचेंज रेट है फिफ्टी फॉरवर्ड है फिफ्टी इंटरेस्ट रेट फाइव

है dollar, मतलब borrow है डॉलर डॉलर मतलब अपने को में 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 करना कर कर लिया dollar में borrow कर लिया गए जैसे ही गए कन्वर्ट किया इंडियन आई एन आर रूपीज में पचास हजार मिला इमीजिएटली इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करना है वहां पे डॉलर किया तो एक साल के बाद फिफ्टी फाइव थाउजेंड मिला वापस से हम लोग पे करने को गए जैसे ही हम लोग पे करने को गए तो हमको पता चला उधर भी पांच परसेंट इंटरेस्ट रखे हमको वन डॉलर वन जीरो फाइव जीरो पे करना है मेरे हाथ में फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज है बट एक साल के बाद का मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एट द रेट डॉलर फिफ्टी वन तो जैसे ही मैं वो कन्वर्ट करता हूं मेरे को मिलता है यस 10, yes, उसमें से पे करना है ट्वेंटी एट डॉलर का बैठा बैठा मेरे को यहाँ पे गेन हो गया ट्वेंटी एट डॉलर का बैठा बैठा मेरे को आर्बिट्राज गेन हो गया समझे ठीक है सो so, डॉलर में बेस करेंसी में बोरो करना है

बेस करेंसी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो आर्बिट्राज आएगा और आर्बिट्राज ऐसा आएगा कि मैं बोरो करूंगा बेस करेंसी में धन अब आ जाते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी पे सेम लॉजिक इंटरेस्ट रेट के जगह पे इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट की जगह पे इन्फ्लेशन रेट बाकी सब सेम देखो ड रेट बेस करेंसी स्पॉट रेट इंटू वन प्लस इंटरेस्ट इन रेट ऑफ वेरियबल करेंसी वन प्लस इंफ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी एवरी रेट जो रेट से चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट चेंज हो रहा है टू परसेंट से मेरा डॉलर आई मीन यूरो और रुपीज का जो करंसी है डिफरेंस है दट विल बी एट द रेट सेवन अगर नहीं हुआ तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ जाता है एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है आपके आईसीए के मॉड्यूल का ही है ये यह देखो यहां पे उसने बोला इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है इंडिया का और यूएसए का स्पॉट रेट दिया हुआ है अपने को परचेसिंग पावर पैरिटी से फॉरवर्ड रेट निकालना है सो so, 146 1 0.01 1 साल के बाद का तो यही रेट रहेगा पर 2 साल के बाद क्या हो जाएगा या आप रेस टू टू कर सकते हो तो यहाँ पे या तो 46 करके रेस टू टू कर दो या फिर जो फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन आ रहा है उसके हिसाब से और एक खाली आपका एक साल एड हो जाएगा और अगर आपको रेस टू करना है तो भी मेरे पास मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से बताया तो फोर्टी सिक्स का बेस ले लो एंड थर्ड ईयर है तो रेस टू थ्री कर दो इयर्स में तो मंथ्स में होता तो मल्टीप्लाई में तो मैंने सीधा बोला था टू जितना भी का आपको फॉरवर्ड फाइंड करना है आप कर सकते हो कैलकुलेट सिंपल सा सम है यू कैन गो एड लास्ट है मेरा इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ये भी आप लोगों को बता देता वैसे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगा ना तब इसको एकदम खोल खोल के डिटेल में बताऊंगा बट फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूं कि समझो इंडिया का और यूएसए का यूएसए का से इंटरेस्ट रेट एट परसेंट ए यहां पे है से फोर परसेंट एंड से दोनों के ऊपर इन्फ्लेशन की मार लग गई है से दोनों जगह पे इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन है यहां पे टू परसेंट का यहां पे भी टू परसेंट का आप नोट करोगे कि आपको रियल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इंडिया में 6% परसेंट यूएसए में टू परसेंट कहने का मतलब कहना इसे ये जो रियल इंटरेस्ट है वो आफ्टर इन्फ्लेशन आता है तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना इसको कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बट फॉर नाउ फॉर यू द कॉन्सेप्ट इज नॉमिनल देता हूं जैसा आप लोग ने देखा दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्लूड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन फैक्टर प्लस इन्फ्लेशन फैक्टर क्यों इंटरनेशनल फाइनेंशियल में क्योंकि वहां पे और डिटेल में यहाँ पे ये वो चीज यूज होने वाली है यहाँ पे इतना यूज नहीं होता है बट दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट जो बोलता है इन्फ्लेशन हटाने के बाद जो रियल रिटर्न बचता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इन्फ्लेशन इंक्लूड करके जो इंटरेस्ट रेट होता दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल रिटर्न अपन नेिरा नॉमिनल इंटरेस्ट इज इकल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इंफ्लेशन रेट और में है मेरा का देख लेना, सब चीज क्लियर हो जाएगी विध दिस वी कम्प्लीट इंटरेस्ट रेट पैरिटी परचेसिंग पावर पैरिटी एंड अल से इफेक्ट अब आ रहे हैं अपन लोग कुछ और हेजिंग टूल्स के ऊपर एक हेजिंग टूल था फॉरवर्ड Yes, जो आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हो दूसरा अभी अपन लोग आ रहे हैं जिसका नाम है मनी मार्केट हेज आओ स्टार्ट करते हैं हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को किसी भी प्रकार के रिस्क से बचा लेना फॉरवर्ड इज अ मेथड जहां पे आप हेजिंग करते हो बाय फ्रीजिंग द रेट कि भाई ये रेट पे ही मेरा ट्रांजैक्शन होगा इर रिस्पेक्टिव मार्केट कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए वैसे ही मनी मार्केट हेज में आप अमाउंट को फ्रीज कर देते हो कि कुछ भी हो जाए अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मेरे जेब से इतना ही रुपीज जाएगा अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे इतना ही रुपीज मिलेगा फॉरेन इंडियन के टर्म्स में अगर मैं बोलता हूं तो तो अमाउंट के टर्म्स में यहां पे चीजें फ्रीज हो जाती है जैसे फॉरवर्ड में रेट फ्रीज हो जाता है तो फॉरवर्ड इजियर है क्योंकि उसमें खाली एक रेट फ्रीज करना है इसमें अमाउंट फ्रीज करना है तो इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा वो प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूं अब इसमें ना दो बातें हो सकती है या तो आप इंपोर्टर हो या तो आप एक्सपोर्टर हो मेरा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें मैं एक्सपोर्टर हूं अगर मैं एक्सपोर्टर हूं देन इन दैट केस मैं डॉलर में बोरो करूंगा बेसिकली बेस करेंसी में मैं बोरो करूंगा तो यहां पर देखो फॉरन करेंसी टू बी रिसीव इन फ्यूचर after वन ईयर और आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है अगर आपको स्पॉट दिया हुआ है अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो क्या इसे आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हो बराबर है बाई यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या होता है स्पॉट रेट इंटू वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ द वेरिएबल करेंसी अपॉन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ़ द बेस करेंसी ऐसे करके आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हो वो फॉरवर्ड रेट यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया एंड से इट वर्क आउट टू फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट वन हमारा आया फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट वन का हमारा वन डॉलर का फॉरवर्ड रेट आ गया आफ्टर वन ईयर अब मेरे को एक यहां पे मनी मार्केट हेज क्रिएट करके बता रहे हैं वैसे तो स्टेप आगे है इसका बट फिर भी स्पेस uh, के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे इसको सेट किया है अभी ध्यान से समझना मेरे को एक साल के बाद यू आर एन इंडियन एक्सपोर्टर यू आर गोइंग टू रिसीव डॉलर वन थाउजेंड आफ्टर वन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा डॉलर वन थाउजेंड मेरे को कब मिलने वाला है एक साल के उपरांत एक साल के बाद मेरे को डॉलर वन थाउजेंड मिलने वाला है तो मेरे को अब मनी मार्केट हेज कुछ ऐसी तरह से इवॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं मेरे को बोरो करना है एक्सपोर्टर हूं तो मैं बेस करेंसी में बोरो तो करूंगा. तो करूंगा तो मेरे को बेस करेंसी में कितना बोरो करना है आई मच अमाउंट सच दैट एक साल बाद जो मुझे फॉरेन करेंसी में मिलने वाला है वो उतना हो जाए With interest. मतलब आज मैं इतना बोरो करूंगा करते डॉलर बोरो करूंगा करते एक साल का फिफ्टी डॉलर का इंटरेस्ट है तो नाइन फिफ्टी डॉलर प्लस एक्सपोर्ट किया है उससे मेरे को आने ये पूरा का पूरा रीपे हो जाएगा बात खत्म तो मेरे इंपोर्टर को मैं बोलूंगा सुन मेरा एक बोरोअल खड़ा है उसका नाइन फिफ्टी प्लस फिफ्टी इंटरेस्ट मिला के डॉलर वन थाउजेंड हो रहा है तू इसको रीपे कर दे बात खत्म हो गया तो मैं उतना ही बोर करूंगा कि जितना मेरे को एक्सपोर्ट से करके पैसा आने वाला है वो मैच हो जाए तो सर वो कैसे करेंगे उसके लिए एक हमारा है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू आ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस ये तो सर सिंपल फॉर्म्य है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अपने को पता है कि अपना फ्यूचर वैल्यू कितना है डॉलर वन थाउजेंड बिल्कुल सही सर अपने को पता है अपना आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट USA में कितना चल रहा है 5 चल रहा है so, है तो पे ये है, देखो, ये देखो इधर अपन के लिए कर रहे We will get the balancing figure, value. मेरे को आ गया आज मैं बोरो करूंगा। उसके ऊपर पांच परसेंट का इंटरेस्ट रेट एक साल के बाद मुझे वन थाउजेंड डॉलर मिल जाएगा I mean, पे ऑफ करने को आएगा So, आज मुझे बोरो कितना करना अपने पास कोई टेंशन की बात नहीं है तो यहाँ पे मैंने इतना बोरो किया है कि मेरा एक साल बाद डॉलर वन थाउजेंड ड्यू हो जाता है वो पैसा कहां से आएगा जब मेरा इंपोर्टर मुझे एक साल बाद वन थाउजेंड डॉलर दे देगा यहाँ पे मेरा काम खत्म अब मुझे में चाहिए तो मैं क्या करूंगा आज का इंडिया में इन्वेस्ट किया इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेट चल रहे टेन परसेंट और मुझे मिल गया फिफ्टी टू थ्री तो एक साल बाद मेरे अकाउंट में फिफ्टी टू थ्री आ जाएगा मेरे को वो जो मैंने डॉलर में किया था वो उधर ऑलरेडी मेरा एक... इंपोर्टर भर चुका है डॉलर वन थाउजेंड सब हिसाब क्लियर मेरे अकाउंट में फिफ्टी टू थ्री एट वन आने वाला है ये मुझे एक साल पहले से ही पता है क्योंकि एक साल पहले ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया है उसको नाइन फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट वन को डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करके इंडिया में <laughs> समझेगी नहीं एवरीबॉडी यस सर समझ गए सो दैट इज हाउ मनी मार्केट हैज वर्क्स फॉर द केस ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर सो फॉरिन करेंसी इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर बोरो इन करेंसी किया कन्वर्ट दिस इन टू डोमेस्टिक करेंसी किया और इमीजिएटली इन्वेस्ट कर देने का अच्छा, कितना होता है इसके लिए यूज करने का फ्यूचर वैल्यूज टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर रेस टू एन अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर विल बी यूज टू रिपे द बोरोड करेंसी विथ इंटरेस्ट कदम हो गया अपना काम राइट सो बोरो इन फॉरेन देखो अभी स्टेप्स दिया हुआ है बोरो इन फॉरेन करेंसी अमाउंट ऑफ बोरिंग शुड बी सच दैट अमाउंट बोरोड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट बिकम्स इक्वल टू द अमाउंट टू बी रिसीव याद रखना आप एक्सपोर्टर हो बेस करेंसी में आप बोरो करोगे आई कन्वर्ट द बोरोड फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी यूजिंग द स्पॉट रेट सो बेसिकली आप एक्सपोर्टर हो और आपको अदर करेंसी जो दूसरा करेंसी करना है उसको आपको बो करना है यार। सिंपल सी बात है तो आपको डॉलर मिलने वाला है तो आप डॉलर बॉरो कर लोगे चलो कन्वर्ट द बोरोड फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी यूजिंग द स्पॉट रेट कन्वर्ट इन्वेस्ट दिस होम करेंसी पे द बोरोड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी अलोंग विद इंटरेस्ट मनी मार्केट है इंपोर्टर भी यूज कर सकता है बट इंपोर्टर के केस में उल्टा इंडिया में बॉरो करोगे तो इंडियन इंपोर्टर है तो इंडिया में बॉरो करेगा इंडियन एक्सपोर्टर है तो सामने वाली की करेंसी में बौरो करेगा अब इंडिया वाला इंडिया में आ, बौरो करेगा बराबर है बट कितना तो अपने को इंश्योर करना है दैट वी विल इन्वेस्ट इन सच अ वे कि एक साल बाद मुझे मेरे एक्सपोर्टर को जो देना है वो मिल जाए तो डॉलर वन थाउजेंड मुझे मेरे एक्सपोर्टर को देना है तो कैन आई से आज मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए 952.381 डॉलर $952 चाहिए अगर मेरे को वन नाइन तो फोर्टी सेवन सिक्स वन नाइन में करना 47, तो 47, मैं आज इंडिया के टर्म्स में बोरो करूंगा कन्वर्ट कर दूंगा उसको इमीजिएटली डॉलर में डॉलर को इन्वेस्ट कर दूंगा एक साल बाद डॉलर वन थाउजेंड आएगा सीधा मेरे एक्सपोर्टर को भेज दूंगा यहां पे मेरा जो बोरो किया था उसका इंटरेस्ट के हिसाब से का अमाउंट बनता है वो मैं पे कर दूंगा इन शॉर्ट एज अ इंपोर्टर दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव टू पे नेट नेट मेरे जेब से ये गया ये ऑटोमेटिकली सेटल हो गया एक्सपोर्टर के साथ तो स्टार्ट कहां से होती है कहानी यूएसए कि भाई कितना इन्वेस्ट करना है मेरे को कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न शुड बी इक्वल टू सच अमाउंट जितना मेरे को, मेरे को एक्सपोर्टर को बेचना है तो मेरे एक्सपोर्टर को भेजना है डॉलर रिवर्स करो कितना इन्वेस्टमेंट का रेट चल रहा है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट का रेट चल रहा है फाइव परसेंट कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा नाइन फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट वन उसके लिए आज मेरे को कितना इंडियन रुपीज चाहिए फिफ्टी के हिसाब से फोर्टी सेवन सिक्स वन नाइन हो गई चक्री स्टार समझे सेम टू सेम चीज अपने को यहां पे मैंने बताया है तुम लोग को करके ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहां पे मेरा कि अगर एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर है बोरो इन फॉरेन करेंसी कन्वर्ट इनटू डोमेस्टिक तो करेंसी इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्टर था मैंने फॉरो किया फॉरेन करेंसी में कौन रे फॉरेन करेंसी डोलर इंपोर्टर इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट किया मैंने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट इट इनटू होम करेंसी तो पहले इन्वेस्ट करना है कितना कन्वर्ट किया, किया जाता है अपना फेवरेट फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट मी गाइज एक बात बोल रहा हूं मैं अगर फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ढंग से करना है विद ऑल आईसीआई एग्जांपल्स मैंने एक मस्त थ्री आर का वीडियो बनाया प्लीज उसको विदाउट फेल प्रॉपरली देख लेना चाहिए तो स्पीड पे दो तीन बार एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाके ये समरी समझ में आएगा ना यार मतलब इतना भारी concept है ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और currency, options और करेंसी ये सब का तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं बट ऑब्वियसली अब एंड ऑफ द डे अपने को एग्जाम देना है तो शॉर्ट में भी करना पड़ेगा तो वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं बट ये कनेक्ट तभी हो पाएगा जब चीजें आपको डिटेल वाली वहां पे पता हो आओ इसको स्टार्ट करते हैं फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब ये फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेजरली तीन चीज पॉसिबल है जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट हम बनाता है डिलीवरी कैंसलेशन एक्सटेंशन मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बट मुझे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी तो मैंने जो लेक्चर लिया है उसको मैं एज अ थोड़ा सा बेस एग्जाम्पल लेके करता हूं चलता हूं सो दैट एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपना कनेक्ट हो जाए क्योंकि करेंसी फ्यूचर्स फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी ऑप्शन तीनों में मेरे को थोड़े कुछ नोट्स की जरूरत पड़ेगी यार सो ही अपना काम एकदम सिस्टमेटिकली हो पाएगा क्या बोलते हो पब्लिक राइट चलो अब इसमें एक एक करके मैं उठाते जाता हूं सबसे पहला है मेरा डिलीवरी अब अगर टाइम पे डिलीवरी हो गया दिस इज डिलीवरी ऑन ड्यू डेट बहुत अच्छी बात है जो रेट ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनल किया है जैसा फॉरवर्ड होता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा अर्ली डिलीवरी हुआ या लेट डिलीवरी हुआ तो ध्यान रखना है कुछ सबसे पहले अगर अर्ली डिलीवरी हुआ तो दो यहां पे चीजें आएगी एक स्वॉप डिफरेंस एक इंटरेस्ट ऑन आउटले स्वॉप डिफरेंस का मतलब क्या होता है लॉजिकली मैं बताता हूं देखो अब बिकॉज उस दिन पे जिस दिन पे ऑनर होना चाहिए था उस दिन पे ऑनर नहीं हुआ तो फिर जो बैंक है ना कुछ उसको बैंक ट्रांजेक्शन अपने जो उसने कवर किया होगा ट्रांजेक्शन जिसको कवरिंग द ट्रांजेक्शन बोलते हैं वो सब उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा

जल्दी आए लेट आए जो भी आए इसको इसने जो ट्रांजेक्शन बोला है ना उसको उस हिसाब से डील कर दो क्लोज कर दो तो सर इसके साथ तो बात हुआ था सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर बस तो इसको दे दो सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर ठीक है सर। इसको तो चलो मैंने दे दिया ये परचेस करने के लिए आया मेरा भाई परचेस करने के लिए आया मेरे पास से सो यहाँ पे से हम लोग ने इसको तो एग्जीक्यूट करवा दिया मेरे को यहाँ पे परचेस करना पड़ा सॉरी तो एक्स डॉलर लेके आया एक्स बेसिकली एक्सपोर्टर होगा तो उसके पास एक लाख डॉलर जल्दी आ गया तो वो डॉलर लेके मेरे पास आया एक महीने बाद आने वाला था एक महीने जल्दी आ गया आ गया तो आ गया कुछ नहीं कर सकता तो वो मैंने परचेस कर लिया एट द दीड रेट बोलता है नो आर्ग्यूमेंट ठीक है अब इसका मैं आज क्या करूं मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए ऑन द स्पॉट मैं सेल कर दूंगा तो ये जो मैंने सेल स्पॉट किया है ना ये एक चीज ध्यान में रखना क्यों करना पड़ा क्योंकि ये जल्दी आ गया जल्दी आ गया तो उसके साथ जो एक महीने बाद का डील था आज ही वो जो कर रहा है वो करना पड़ेगा और उसके साथ हम लोग का डील था कि मैं परचेज करूंगा उसके पास से एक लाख डॉलर तो इमीजिएटली मेरे को सेल करना पड़ेगा कर लिया दूसरा 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 मेरा क्या था एक मैंने कवर लेके रखा था कहां पे यहां पे बैंक बैंक मैं तो मैंने दूसरे में एक कवर लेके रखा था फॉरवर्ड सेल का अब वो फॉरवर्ड सेल का कवर कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक महीने बाद कुछ परचेज में भी तो आना चाहिए पहले तो मैं ये कस्टमर के थ्रू परचेज करने वाला था अब कस्टमर तो आज ही आके गया और ये जो डॉलर है उसको मैंने आज का आज ही बेच दिया समझ रहे तो ये तो मेरा फॉरवर्ड सेल होके ये वाला जो डॉलर आने वाला था क्या अब मैं एक महीने बाद फॉरवर्ड सेल कैसे करूंगा तो आज मैं उसके लिए फॉरवर्ड परचेज करवा लेता हूं तो आज मैंने इस कस्टमर को ध्यान रखते हुए क्या किया फॉरवर्ड पर जो परचेज था उसको रिवर्स करने के लिए स्पॉट सेल किया और एक महीने बाद का जरूरत पड़ने वाला है ना बेटा वो मेरा होता है स्वॉप लॉस भी, भी, भी हो सकता है इसको बोलते हैं स्वफरेंस ठीक है तो ये बाय एंड सेल करना पड़ेगा आपको एक वो कवर को सेटल करने के लिए और दूसरा जो मेरा कस्टमर जल्दी आ गया उसको वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए बेसिकली कॉल्ड ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? से पहला मेरा यहां पे कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ये जो में है वो क्या कि मैंने परचेस कर लिया डॉलर वन लैख एट सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर तो मैंने उसको सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर के हिसाब से कैश दे दिया और सामने सामने मैंने ऑन द स्पॉट उसको सेल भी कर दिया तो मेरे को 65.22 आ गया ये जो डिफरेंस है ना ये मेरा पैसा ब्लॉक हो गया एक महीने के लिए उसका इंटरेस्ट मैं रिकवर करूंगा हमारे कस्टमर क्लाइंट के पास से बट ध्यान रखना दिस इज नॉट अ परचेज और फॉरवर्ड और एनी ट्रांजेक्शन दिस इज कैश ट्रांजेक्शन तो इंटरेस्ट ऑन आउटले कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर आता है और आज जो ट्रांजेक्शन हो गया है उसको ऑफसेट करने के दो चीजों की वजह से आता है जैसा मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल में बताया इसके लिए मैंने बोला डिटेल लेक्चर देख लो तो ये वाला चीज कनेक्ट हो जाएगा फॉर श्योर समझे क्या और एटलीस्ट दो तीन बार तो करना पड़ेगा भाई ऐसा नहीं है सर एक बार वो लेक्चर देख लिया एक बार सम सॉल्व कर लिया ऊपर ऊपर से अब ये एग्जाम्पल समझा दो समझ जाएगा नहीं कोई भाई जादू की चली नहीं चलने वाली है कहीं पे भी किसी के साथ भी इट हैज टू बी अ प्रोसेस कि एटलीस्ट दो तीन चार बार मैंने किया है उसके बाद रिविजन लेक्चर देखो पब्लिक का आजकल आदत हो गया है सब चीज का रिविजन लेक्चर चालू है चल भाई प्रॉपर फर्स्ट टाइम हुआ है नहीं हुआ है सीधा आओ रिविजन लेक्चर देखो हम ट्राई करते हैं कि इतना अच्छा लेक्चर बनाए कि आपका उसी फर्स्ट टाइम में ही अच्छी तरह से हो जाए बट जो सिस्टम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना बेटा बराबर है माँ के पेट में बच्चे को नौ महीना रहना पड़ेगा तब भी बच्चा अच्छी तरह से पैदा हो पाएगा वरना प्रीमेच्योर डिलीवरी होगा बाहर आने के बाद भी उसको एक दो महीना वो बॉक्स में रखना पड़ेगा तब जाके वो बाहर निकलेगा आप प्रीमेच्योर पढ़ाई करके एग्जाम दे दोगे इंस्टीट्यूट छह महीना आपका समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको तो कुछ चीजें हैं कुछ हाई लेवल की चीजें फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी ऑप्शन ये सब करना पड़ेगा सॉल्विंग करना पड़ेगा डिटेल लेक्चर सुनना पड़ेगा मेरा यूट्यूब पे डाला है फिर यहां पे आओ बिंदास आपको समझ में आएगा ये मेरी कहानी बट वो सुनो एक दो बार सॉल्व करो एटलीस्ट एक दो बार बिना देखे सॉल्व करो एक दो बार एंड देन देखो चार चांद लग जाएंगे ये रिवीजन सुनने में बता रहा हूं मैं यस सो स्वॉप डिफरेंस समझ गया इंटरेस्ट ऑन समझ गया एकदम अच्छी तरह से समझ गया अक्सर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम एंड फिर आता है ऑटोमेटिक कैंसलेशन अब ऑटोमेटिक कैंसलेशन के दिन पे क्या होता है कि समझो वो भाई साहब मेरा आने वाला था टेंथ जून uh, को आया ही नहीं भाई साहब जून को तो बोलता है तीन दिन तक आप रुको बट तीन दिन तक अगर मुझे हो रही है ना उसमें वी विल द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉप डिफरेंस इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस तो स्वॉप डिफरेंस और इंटरेस्ट क्या होता है वो तो पता चल गया एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है वो भी अपने को कैंसिलेशन में समझ जाएगा अब जो ये लेट डिलीवरी वाला है उसको मैं साथ में लूंगा लेट डिलीवरी हो लेट कैंसिलेशन हो वो सबको मैं साथ में लूंगा के ऊपर so be कैंसिलेशन में फोकस होता है एक्सचेंज डिफरेंस का यस yes, इसको भी एक एक्साम्पल से बता देता हूं डोंट वरी सो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल ट्रांजेक्शन विद कस्टमर एंड नाउ ऑफ सेटिंग ट्रांजेक्शन विद इंटरबैंक ड्यू टू कैंसलेशन रिक्वेस्ट So, अब से चलो आ जाता हूं मैं आपको बता देता हूं कि क्या होने वाला है कैंसलेशन अगर ऑन ड्यू डेट वो आ गया और ड्यू डेट पे आके हमारे को बोल रहा है कि यार हमसे ना हो पाया नहीं हो पाएगा ये आप मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसल कर दो तो कैसे कैंसल करोगे तो आज समझो उसका फॉरवर्ड परचेज उस दिन का है तो मेरे को स्पॉट सेल करके इसको ट्रांजैक्शन को क्लोज करना पड़ेगा सो so, समझो अगर कस्टमर uh, के साथ एक फॉरवर्ड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है आज का आज ही उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे हिसाब जीरो जो भी डिफरेंस आया कस्टमर विल बेथ जो भी फायदा हुआ कस्टमर को भी दे देंगे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है सो इन शॉर्ट जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन है ना उसको बस रिवर्स ऑफ करना है मेरे को अर्ली कैंसलेशन जल्दी आ गया बोलते हैं यार मेरा ना आगे जाके नहीं नहीं हो पाएगा ये order execute, कोई बात नहीं। तेरा एक महीने बाद forward purchase है आज ही मैं forward sell का तेरे को करवा देता तू तो जल्दी आ गया ना एक महीने बाद तेरा फॉरवर्ड परचेज एग्जीक्यूट करना है आज ही मैं इसका एक फॉरवर्ड सेल करवा देता हूं डिफर जो भी आया बैर कर तू बात खत्म हो गया समझे सो so, इसको बोलते हैं बेसिकली एक्सचेंज डिफरेंस

एज कैंसलेशन प्लस वन स्टेप एक्स्ट्रा बुक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट आया और बोलता है, मेरे को करवाना है तो उस दिन पहले उस दिन का जो है कैंसल करवा दो कैंसल एट स्पॉट रेट लाइक मेरे पास फॉरवर्ड परचेज था आज ये आया ड्यू डेट पे ही फॉरवर्ड परचेज खड़ा है स्पॉट सेल करके इसको खत्म कर दो अब एक्सटेंशन बोल रहे हैं बोलता है कि मेरे को और दो महीने बाद फॉरवर्ड परचेज करवाना है नया कॉन्ट्रैक्ट करवा दो फॉरवर्ड परचेज का बात खत्म करो समझ रहे हैं बिफोर ड्यू डेट हुआ अगर वो आ गया तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड का है, जो पर महीने बाद ड्यू होने वाला है आज मैं फॉरवर्ड सेल का एक और कॉन्ट्रैक्ट साथ कर दूंगा हिसाब इसका उधर जीरो हो गया डिफरेंस वो करेगा समझे कि नहीं और बुक न्यू कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे को एक्सटेंशन बाद में करना है तो और फिर बाद में आता है रोल ओवर ऑफ डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सो अगर रोल ओवर करना है ऑलमोस्ट सिमिलर टू एक्सटेंशन आएगा ओके okay, फिर

If delivery not on due date, there is default by customer. अगर automatic cancellation हुआ, loss recovered from customer, but profit bank keeps with itself, does not give to customer. All other cases gain or loss will be borne by the customer. परवानी हमारा दिल बढ़ा रखेंगे। समझ गए? चलो done. अब जैसा मैंने बोला था कि अपना जो last scene है cancellation वाला ये रहा। सब सब करवा दिया था तुम लोगों ने मार्जिन ट्रीटमेंट एवरीथिंग ऑटोमैटिक कैंसलेशन इफ द कस्टमर डज नॉट कम टिल थ्री डेज आफ्टर ड्यू डेट फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट स्टैंड्स ऑटोमैटिकली कैंसल चलो अभी ये वाला सिचुएशन देखो देखो अपना जो डायग्राम है इतना मस्त होना चाहिए कि फिर अपने को टेंशन ही नहीं चाहिए कि भाई क्या हो रहा है अभी ये देखो पे क्या था अपना सीन क्या था पता है क्या बैंक एक्स था उसने एक फॉरवर्ड सेल किया था और सामने अपने आप को ऑफसेट करने के लिए उसने एक फॉरवर्ड करके रखा था ठीक है थोड़ा बिच पिच है आप लोग के सामने सम नहीं है तो ऑब्वियसली बिकम डिफिकल्ट बट मैं क्या करता हूं ना मैं सीधा के सीधा सोल्यूशन पे आता हूं ये देखो क्या सीन था स्टार्टिंग से बता दो कस्टमर ने परचेज डॉलर का सीन था बैंक एक्स उसको बोला कि मैं तेरे को सेल डॉलर करूंगा और अपने आप को कवर करने के लिए तो ये है कवरिंग द ट्रांजेक्शन लो ये तुम्हारे लिए मैं और इजी कर देता हूं कवरिंग द ट्रांजेक्शन क्या कवर किया कैसे कवर किया सुनो कस्टमर परचेज डॉलर बैंक एक्स अगर कस्टमर बैंक के पास जाके बोल रहे हैं मेरे को डॉलर परचेज करना है मतलब इंपोर्टर हुआ मेरे को परचेज करना है डॉलर आज से तीन महीने बाद मतलब बैंक सेल कर रहा है उसको डॉलर तीन महीने बाद अब बैंक को सेल करने के लिए खुद के पास होना चाहिए तो उसने कवर ट्रांजेक्शन किया परचेज डॉलर बैंक वाई के साथ आया ही नहीं भाई साहब हमारा भाई साहब दस जून को आया ही नहीं अब फ्रॉम कस्टमर एंगल ध्यान से समझना ऑन 30th जून द कस्टमर विल गो टू बैंक एंड से आई वांट टू कैंसल एंड एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट जस्ट 13th को वो आ गया तो दैट इज ओपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कस्टमर विल बी कैंसल्ड कंसल्ट ऑफसेटिंग अपोज़िट कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे कस्टमर ने क्या किया है परचेज डॉलर किया है अब अपन लोग क्या Offset, किसके साथ करेंगे होल ट्रांजेक्शन वर्क देखो ये वाला भी आप लोग को प्रॉपरली समझा देता हूं अब टेंथ जून को हमारा भाई साहब आया ही नहीं आया ही नहीं वो आया 13th जून को तो अब 13th जून को जब वो हमारे पास आ रहा है और बोल रहा है मेरे को एक्सटेंशन करना है देन इन दैट केस क्या करेंगे अपन सबसे पहले तो उसका कैंसिल कर देंगे एक्सटेंशन कैंसलेशन विद एक्सटेंशन तो कैंसिल कैसे करेंगे फॉरवर्ड परचेज उसका खड़ा है सामने मैं उसको स्पॉट सेल कर दूंगा स्पॉट सेल करके जो भी उसका रेट बैठ रहा है वो कैंसलेशन मेरा यहां पे कैंसलेशन रेट हो गया स्पॉट सेल का

उसको मेरे को सेल करना पड़ा ऑन द स्पॉट परचेज करके ऑन द स्पॉट मेरे को उसको सेल करना पड़ा समझ रहे हैं तुम लोग सो so, ये जैसे ही मैंने उसको ऑन द स्पॉट सेल किया ये तो मेरे था ही नहीं थीम में कि मेरे को ऑन द स्पॉट सेल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो लगा था मैं परचेज करके यहाँ पे अपने जो क्लाइंट है उसको दे दूंगा तो ये जो स्पॉट सेल करना पड़ा ये प्लस अब तीन दिन बाद अगर ये कस्टमर वापस आया तो मेरे पास फॉरवर्ड परचेज तो है ही नहीं तो मेरे को स्पॉट सेल करके फॉरवर्ड परचेज एंटर करना पड़ेगा दिस स्पॉट सेल एंड फॉरवर्ड परचेज इज अ स्वॉप डिफरेंस समझे एंड ऑन द स्पॉट ऑन द डेट 10 जून मैंने फॉरवर्ड परचेज किया स्पॉट सेल किया इंटरेस्ट ऑन आउटले तो ये जो ग्रीन वाला है वो इंटरेस्ट ऑन आउटले के लिए आएगा 64.28 माइनस 63.8 एंड जो ब्लू वाला है स्पॉट सेल एंड फॉरवर्ड परचेज 63.8 एंड 63.95 वो मेरा स्पॉट डिफरेंस के लिए आएगा स्वॉप लॉस के लिए आएगा समझ में आई बात मजा आया इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ ये देखो ये 64.28 63.8

जी हाँ विद एग्जाम्पल्स अपन लोग ने कर लिया है क्या करेक्ट फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट अब आते हैं अपन लोग टाइप्स ऑफ फॉरेन फॉरिन अकाउंट्स के ऊपर तो तीन तरह के बैंक अकाउंट होते हैं एक है नोस्त्रो एक है वोस्त्रो और एक है लॉरो अकाउंट सिंपल है एकदम यहां पे मैंने ये जो टेबल बनाया है ना बस इसके बाद आपको और कुछ रिफर करना ही नहीं है ये सब जो आपको रीड करना है वो आपके रेफरेंस के लिए आप कर सकते हो नोस्त्रो मतलब आर अकाउंट विद्यू एच डी मुंबई का अकाउंट अगर बैंक ऑफ जापान टोक्यो के साथ है एच डी एफ सी जापान टोक्यो फॉर जैपनीज अकाउंट क्यों रखा है मैंने ऐसा क्योंकि अगर कभी कोई कस्टमर आया मेरे पास और बोलता है मेरे को जापानीज येन चाहिए तो मेरा नोस्त्रो अकाउंट है बैंक ऑफ जापान टोक्यो में मैं निकाल के दे दूंगा इट इज एन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक बैंक विद फॉरेन बैंक फॉर फॉरेन करेंसी दूसरा आ जाता है इट मींस उंट विथ अस योर अकाउंट विद उल्टा योर अकाउंट विद मतलब अपना अपने पास अकाउंट है इन इंडियन रुपीज हो सकता है ना लंडन में कोई आएगा और बोलेगा कि हमको इंडियन रुपीज चाहिए तो ये वोस्त्रो अकाउंट उसको स्टैंडर्ड चार्ट लंडन को काम आएगा इट इज एन अकाउंट ऑफ फॉरिन बैंक विद डोमेस्टिक बैंक फॉर डोमेस्टिक करेंसी एंड लॉरू अकाउंट एक थर्ड पार्टी अकाउंट जैसा है एसबीआई मुंबई अकाउंट विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क बट रिफर्ड यूज बाय सरस्वत बैंक हैदराबाद सरस्वत बैंक इज अ कोऑपरेटिव बैंक उसके पास बिचारे के पास नोस्त्रो अकाउंट खोलाने का पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा एक अकाउंट खोला देगा अपने लोकल बैंक के साथ एच डी एफ सी के साथ और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करेगा फॉरेन करेंसी में कॉल्ड एज लोरो टोक्यो वोस्त्रो एंड लॉडो याद रखना लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट नेम ऑफ बैंक अकाउंट विच इज नोस्त्रो फॉर वन बैंक इज ऑब्सली वॉस्त्रो फॉर अनादर वेन डोमेस्टिक बैंक यूज अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टी To settle foreign exchange transaction, they are included in loro account. So I think clear sum sum time दो तरह के account बनते हैं एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज पोजिशन दूसरा तरह का अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं कैश पोजिशन ठीक है दिस एक्सचेंज पोजिशन इज आर ओन बैंक अकाउंट एंड कैश पोजिशन इज लाइक पासबुक मालूम है अपन लोग बैंक reconciliation स्टेटमेंट में

फॉरेन करेंसी का अकाउंटिंग जहां पे मैं फॉरवर्ड परचेज फॉरवर्ड सेल कैश परचेस कैश सेल सब रिकॉर्ड करता हूं बट कैश पोजीशन में खाली रियल कैश इनफ्लो और रियल कैश आउटफ्लो ही रिकॉर्ड होता है मेंटेन्ड ऑन एक्चुअल बेसिस यहां पे मेंटेन ऑन कैश बेसिस टोटल परचेज और सेल कमिटमेंट ऑफ बैंक टू परचेज और सेल स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसीज इन रिस्पेक्टिव वेदर द एक्चुअल डिलीवरी एज टेकन प्लेस और नॉट बट यहां पर एक्चुअल ओनली एक्चुअल इज टेकन समझ में आया अगर परचेस इज मोर देन सेल्स हुआ तो ओवर बॉट सी बात है तो वो सब चीज यहाँ पे दिख रही है गॉडेड गाइज बस यही सीन है और इसके लिए मैंने पूरा आप लोग के लिए एक यहाँ पे अकाउंट आप लोग देख सकते हो काइंड ऑफ बना के दे दिया है सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो सो एक्सचेंज पोजिशन बैलेंस ऑफ एग्रीगेट परचेज एंड सेल्स मेड बाय बैंक कुछ भी हो सकता है इसमें फॉरवर्ड रियल परचेज ऑफ करेंसी रियल सेल ऑफ करेंसी सब आ गया बैंक अभी हाँ कैश पोजीशन मतलब रियल में कितना आया है वो ही तो यहाँ पे देखो अगर मेरा फॉरवर्ड परचेज है तो इनफ्लो दिख रहा है यहां पर कोई एंट्री नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड परचेज का खाली एंट्री मार अब रियल परचेज स्पॉट परचेज यहाँ पे भी दिख रहा है कैश पोजीशन में भी दिख रहा है यहां पे तो सब आता ही आता है एक्सचेंज पोजीशन में ठीक है फॉरवर्ड आउटफ्लो पे नहीं आएगा कुछ भी फॉरवर्ड सेल किया है तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं है फॉरवर्ड का बट यहाँ पे आ जाएगा अभी क्लियर एवरीबॉडी स्पॉट सेल स्पॉट सेल दोनों जगह पे मेरा आ जाएगा लेट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स ऑफ एक्सचेंज पोजीशन एंड कैश पोजीशन एंड अब आ रहे अपन अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है करेंसी फ्यूचर्स वी नो वॉट इज फ्यूचर्स सो फ्यूचर्स इज लाइक अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर हेजिंग द करेंसी यूज फॉर हेजिंग द करेंसी तो आपको अगर से फॉर एग्जाम्पल अपने आप को हेज करना है देन इन दैट केस आप फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो आपको फायदा होगा और अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो आपको फायदा होगा क्लियर yeah? अगर आपको स्पेक्युलेन करना है तो हेजिंग में समझ रहे हो तुम लोग तो अगर आपने लॉन्ग पोजिशन लिया एक जनरल बात बता रहा हूं इसमें करेंसी का कुछ काम नहीं है जस्ट जनरल बात बता रहा हूं So, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा आप लॉन्ग पोजिशन ले लो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप शॉर्ट आपको करना पड़ेगा ये लॉन्ग को रिवर्स करना पड़ेगा फ्यूचर्स का एक थीम होता है प्लीज डेरिवेटिव्स का मेरा लेक्चर देख लो अगर नहीं पता हो तो कि आपने जो भी पोजीशन लिया है उसको रिवर्स में ऑफसेट करना पड़ेगा तो आपने लॉन्ग लिया है विच इज बाय तो आपको रिवर्स लेके शॉर्ट करके क्लोज करना पड़ेगा इन द सेम वे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया है फ्यूचर में आपको बाय करके उसको क्लोज करना पड़ेगा तो क्यों बोलता है कि लॉन्ग लेना अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके लिए कि भाई आपने लॉन्ग लिया है फ्यूचर में आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा सेल कर दो जब ऊपर गया लॉन्ग आपने कम पे लिया हुआ डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो गया एंड अगर आपने समझो शॉर्ट किया और मार्केट

करेंसी फ्यूचर्स यूज एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट करेंसी मूवमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्यूचर्स इज क्या पता चल जाए मुझे कैसे भी करके कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट मस्त तरीका बताया है

करेंसी फ्यूचर्स का देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या दिया हुआ है इट इज इन रूपीज तो ई एफ डी एन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस कंपनी प्रिपेयर इन वॉइस इन कस्टमर्स करेंसी इट्स डेटर्स ऑफ यूएस डॉलर मतलब उसका जो सामने वाला कस्टमर है वो है डॉलर वाला ठीक है डेटर्स उसका डॉलर वाला है तो अपने को पैसा डॉलर में आने वाला है बराबर है मतलब अपन कौन है अपन इंडियन है ई एफ डी लिमिटेड कौन हुआ इंडियन हुआ इंडिया का डोमेस्टिक करेंसी क्या है रूपीज कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ फ्यूचर किसमें है रुपीज में तो देखो क्या बोला इफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इज इन डीसी डोमेस्टिक करेंसी तो आपको क्या करना है लॉन्ग फ्यूचर्स करना है खत्म बात कोई भी और क्वेश्चन उठा लो समझो उसमें इंपोर्टर है और आपको देखना है करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन से करेंसी में है अगर समझो आप इंपोर्टर हो और करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है डॉलर में है तो आपको लॉन्ग फ्यूचर्स करना है रुपीज में है है और और आप 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 इंपोर्टर इंपोर्टर इंडियन हो 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 तो आपको तो आपको शॉर्ट फ्यूचर्स करना बात खत्म यहां यहां पे पे क्या करने वाले हो? आप यहाँ करने वाले वाले लॉन्ग फ्यूचर्स यहां पे आप करने वाले हो लॉन्ग फ्यूचर्स क्लियर है एवरीबॉडी यस सर ओके फिर बाद में तो पहला स्टेप मेरे को समझ में आ गया कब लॉन्ग करना है कब शॉर्ट करना है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इधर ही पब्लिक थोड़ा हिल जाता है और ये चैप्टर को या ये को काइंड ऑफ ऑप्शन में छोड़ देता है अपने को नहीं करना है अपने को ये clearly, अपने को ये स्टेप्स क्लियरली अपने फॉलोड है एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता भी दिया अभी दूसरा स्टेप टू के कितना कॉन्ट्रेक्ट लेना है अगर आपको पता होगा तो फ्यूचर्स के टाइम पे मैंने आपको बोला है कि इट इज ऑलवेज ट्रेडेड इन लॉट तो कितने लॉट में आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड जो बोलते हैं अपन ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि भाई यहाँ पे मेरा टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है आ, दस करोड़ यूएस डॉलर्स बराबर है ओके डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे देखो मेरा टोटल मेरे को दस एक दो तीन एक दो तीन इतना सारा डॉलर मेरे को हेज करना है एक करेंसी का साइज है रुपीज टू फोर एट वन सिक्स नाइन सेवन फाइव बहुत ना इंसाफी है मतलब एक, एक डॉलर में, तो तो में, में से चेंज करना पड़ेगा कौन सा चेंज करूंगा बताता हूं आई विल चेंज द ट्रांजेक्शन वैल्यू क्यों क्योंकि ये जो रुपीज में इधर दिया हुआ है ना बेटा ये वाला तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो ये अपने हाथ में कंट्रोल में है ही नहीं तो ये तो एज इट इज रहेगा ये तो फ्रीज रहेगा हाँ ये अपना अमाउंट है इसको अपन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको वी विल कन्वर्ट इमीजिएटली यूजिंग द से स्पॉट रेट तो स्पॉट रेट से अपन लोग इसको कन्वर्ट uh, कर देंगे ठीक है तो यहां पे ये स्पॉट रेट से अपन लोग ने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये अपने पास रुपीज में आ जाएगा तो रुपीज का ट्रांजेक्शन वैल्यू डिवाइड बाय रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइज तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आई बात so, तो यहां पे टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट टू रिसीव्ड और पेड अपॉन वैल्यू ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट द अमाउंट टू रिसीव्ड और पेड इन सेम करेंसी दैट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इफ अमाउंट रिसीव्ड इज इन डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट इज इन रूपीज अपना एग्जाम्पल कन्वर्ट द डॉलर इंटू रुपीजिंग फ्यूचर करेंसी रेट ट्रेडिंग ऑन स्पॉट रेट ऑफ रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन सो माई मिस्टेक यहाँ पे अपन इसको इसके साथ नहीं करेंगे करेंसी फ्यूचर का जो रेट है इसके साथ कन्वर्ट करेंगे सो so, मेरा यहाँ पे कहना से मैं तीन मंथ के लिए कर रहा हूं जो भी मेरा ये पूरा ट्रांजेक्शन कर रहा हूं कैसे मालूम बड़ा इज uh, देखो मार्केट इंफॉर्मेशन ऑन जनवरी वन जैन से फे जैन, फेब मार्च एंड फर्स्ट अप्रैल का है तो तीन महीने का गेम चल रहा है सो यहां पे मैं ये दस लाख डॉलर को तीन महीने के फ्यूचर वाला जो रेट है उसके हिसाब से कन्वर्ट करूंगा और उसके हिसाब से कन्वर्ट करके मेरे को मेरा रुपीज मिल जाएगा क्लियर डन अब मार्जिन मालूम है आप लोगों को देखो जैसे ऑप्शंस में प्रीमियम पे करना पड़ता है वैसे ही फ्यूचर्स में मार्जिन पे करना पड़ता है अपन सबको ये चीज तो एकदम अच्छी तरह से बॉस so, अपने, अपने को का काम ही नहीं अपना तो थ्री मंथ चल रहा है थ्री so, मंथ का मार्जिन लगेगा कितना मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो इधर से अपने को इन टू जो भी इनिशियल मार्जिन ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अपने वाले केस में आ जाएगा, amount, वाला है तो पहले तो मैंने जो फॉरेन करेंसी है फॉरेन करेंसी हंड्रेड लैक्स का जो भी है वो मेरे को पैसा उसमें मिलने वाला है सो तो मेरा जो हंड्रेड लैक्स है वो मेरे पास जैसे ही मेरे अकाउंट में आएगा मैं उसको कन्वर्ट करवा लूंगा ऑन द स्पॉट रेट जीरो आया इमीजिएटली स्पॉट पे से रूपीज में कन्वर्ट करवा दिया दूसरा मैंने जान बुझ के क्या लिया था फ्यूचर्स फ्यूचर्स में अब मुझे गेन हुआ है कि लॉस वो देखना है ध्यान से समझना अब देखो यहां पे क्या सीन हो रहा है अब देखो यहां पे क्या सीन हो रहा है मेरा करेंसी फ्यूचर रेट इज जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट वन सिक्स वन थ्री फोर मैंने लॉन्ग किया था पहले तो मैं ऑलरेडी यहां पे लॉन्ग फ्यूचर्स कर चुका हूं देखो स्टार्टिंग में अपनी बात हो गई थी कि आई एम अ एक्सपोर्टर प्लस करेंसी इज इन एक्सपोर्टर हूं और मेरा डोमेस्टिक करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो मैं लॉन्ग फ्यूचर्स कर रहा हूं तो मैंने उस दिन पे लॉन्ग फ्यूचर्स ऑलरेडी कर दिया है तो अब मेरे को देखना है कि मेरे को वो लॉन्ग फ्यूचर्स पे फायदा हो रहा है कि नहीं लॉन्ग फ्यूचर्स मैंने क्या रेट पे किया होगा तो करेंसी फ्यूचर्स का थ्री मंथ का लॉन्ग फ्यूचर्स का रेट क्या चल रहा है सर जीरो पॉइंट वन सिक्स सॉरी जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स वन वन एट तो इस पे मेरा बाय है अब मेरा आगे यहां पे क्या चल रहा है सर मैं जब देखा फर्स्ट अप्रैल को ये एक्चुअल में तो मैंने बाय लॉन्ग इसके ऊपर कर लिया है अब मैं इसको एक्चुअल जो उस दिन पे हो रहा है उस दिन पे शॉर्ट करूंगा जीरो पॉइंट वन सिक्स वन थ्री फोर पे मैं शॉर्ट करूंगा मतलब सेल करूंगा यहां से मेरा पैसा आएगा यहां से मेरा पैसा जाएगा नेट अगर आप लोग नोट करोगे तो जीरो पॉइंट का मेरे को गेन है क्योंकि ये थर्टी फोर माइनस एटीन सिक्सटीन का मेरे को गेन हुआ है इन टू नंबर ऑफ ये रहा गेन येस अगर शॉर्ट रेट मोर देन लॉन्ग रेट तो फिर गेन yes. तो डिफरेंस ऑफ शॉर्ट रेट एंड लॉन्ग रेट करके ऑपोजिट होगा अगर अपना अपन लोग ने शॉर्ट पोजिशन लिया होता तो इन टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट साइज ये सब करके मुझे मिल जाएगा मेरा मुझे मिल जाएगा मेरा गेन ठीक है सो डिफरेंस ऑफ लॉन्ग रेट शॉर्ट रेट जीरो पॉइंट जीरो जीरो

करेंसी फ्यूचर्स का मेरा लेक्चर दिया है प्रॉपर लेक्चर दिया है देख लो एक एक चीज कनेक्ट हो जाएगी कुछ चीजें डायरेक्टली रिविजन से नहीं करनी है एक बार देख लो और फिर बाद में आओ ना कौन ना कौन बोल टाइम एक्स्ट्रा जाएगा सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कम कर लेना क्लियर हो जाएगा बाकी तो आपकी इच्छा समझ रहे हैं आप लोग डन सो दैट्स हाउ इट वर्क्स तो यहां पे मेरे को गेन मिल गया मतलब मैं हेज हो गया और लास्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट ये साला जो इनिशियल मार्जिन तुम लोग ने लिया बाईस हजार पांच सौ इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीस कॉन्ट्रैक्ट इसमें मेरा तो पैसा अटक गया बस उसका इंटरेस्ट यहाँ पे मेरे को तो मार्जिन अमाउंट जो भी था इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है ना आप लोगों को यहाँ पे दिया होगा ये टोटल मिला के मुझे पता चल जाएगा मेरा तो कितना कितना पे आया प्लस कितना गेन आया प्लस कितना इंटरेस्ट गया माइनस उससे मुझे पता चलेगा नेट अमाउंट कितना मेरे को आ रहा है यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स फिर फॉरवर्ड में भी देख लूंगा स्पॉट में भी देख लूंगा जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ उसको यूज करूंगा समझू तो ये होता है मेरा यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स ये होता है मेरा यूजिंग करेंसी फ्यूचर्स अब आ रहे हैं अपन अपने लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर वन ऑफ माय फेवरेट अगेन करेंसी ऑप्शन करेंसी ऑप्शन के लिए मैंने और एक स्टेप का शीट बनाया ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा दिस इज वॉट प्रॉबेबली यू कैन यूज सो अब मैंने करेंसी ऑप्शन के ऊपर भी एक मस्त डिटेल बनाया वीडियो तीन चार घंटे का देखो उसको भी सारे एग्जाम्पल ऐसी कवर हो जाएंगे फॉर नाउ मैं भी सब एग्जाम्पल उसमें ना हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया है तो मैं यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट बना चुका हूं वो आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं काफी कुछ करेंसी फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया एंड ऑल ऑफ दैट कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को सम करके ही समझेगी बट फिर भी फॉर्मेट आप लोग के पास रहेगा सो इट विल बिकम इजियर आओ करते हैं स्टार्टिंग विद समथिंग कॉल्ड एज करेंसी ऑप्शन So, यहां पे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टर है इंडिया का इंपोर्टर है इंडिया हो या कहीं का भी हो तो इंपोर्टर है अपन अपने, अपने एग्जाम्पल के लिए इंडिया रखते हैं इंडिया एक्सपोर्टर है अब इंपोर्टर को तो फॉरेन करेंसी पे करना होता है अब सर हमको पता ही नहीं चलता है कि कब अपने को कॉल ऑप्शन लेना है कब अपने को शॉर्ट पुट ऑप्शन लेना है सर आप बता दो ये देखो अगर फॉरेक्स रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब अगर इंपोर्टर इंडिया का है एंड फॉरेन करेंसी दिया हुआ है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज थर्टी सेवन इज इक्वल टू रुपीज एटी फाइव तो इसका मतलब आपको लेना है कॉल ऑप्शन इसको लॉजिकली भी मैंने बताया है विद एग्जाम्पल क्यू समझ रहे हैं एंड करेंसी रेट बढ़ा वी विल एक्सरसाइज ऑप्शन। दूसरा है so, होम करेंसी के टर्म्स में मतलब जीरो वन थ्री टू तो फिर पुट ऑप्शन लेना है एक्सपोर्टर हूं तो अपोजिट वाइज से वर्षा ऑप्शन अगर एक्सपोर्टर हूं और फॉरेन करेंसी के टर्म्स में दिया है तो पुट ऑप्शन लेना है अदरवाइज आपको कॉल ऑप्शन लेना है पहला जैसे वहां पे था करेंसी फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट आइडेंटिफाई करना है यहां पे कॉल पुट आइडेंटिफाई करना है वो कर लिया फिर वहां पे क्या था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे भी वही है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनवॉइस अमाउंट इनवॉइस अमाउंट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट साइज सो द इनवॉइस अमाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइज शल बी ऑफ सेम करेंसी जैसा अपना वहां पे था मैंने यहाँ पे देखो तुम लोग को एग्जाम्पल में दिया था कि भाई एक मेरा डॉलर पता नहीं वो शायद गया होगा एक मेरा डॉलर लाख है ठीक है अभी एक मेरा उधर डॉलर लाख था अपॉन साइज था रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो मेरे को एक डॉलर एक रुपीज ये ना चाल तो ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बैठेगा ही नहीं ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बैठेगा ही नहीं ये भी मैंने आप लोगों को तभी बताया था कि भाई देखो एक करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी यूजली कॉन्ट्रैक्ट साइज कॉमन रखो इनवॉइस अमाउंट को चेंज कर सकते हो कर दो आप लोगों को मिल जाएगा वो अमाउंट कन्वर्ट आइदर इनटू यूजिंग स्ट्राइक प्राइस ओनली ध्यान रखना उसमें फ्यूचर का रेट था इसमें स्ट्राइक प्राइस आएगा ये सब चीजें तो प्रैक्टिस करते ही आएगी गुड इफ लॉट साइज करेंसी इज नॉट गिवन इट विल बी इंटरप्रिटेड दैट ऑफ विच प्रीमियम रेट इज गिवन क्वेश्चन थर्टी थ्री है मॉड्यूल का अपना जहां तो उससे मुझे पता चल गया कि लॉट साइज ऑपोजिट करेंसी दैट इज रूपीज में है समझ रहे करेंसी में नहीं देंगे अब अपने को समझ गया प्रीमियम दिया है ना उसका ऑपोजिट प्रीमियम जेपीवाई में दिया है ना उसका ऑपोजिट करेंसी रूपीज उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज है

सम टू समझ में आ जाएगा। चार नहीं पाँच सम करवाया मैंने। में कुछ ना कुछ वेरिएशन है ये सब स्टेप्स के दैट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी प्रीमियम अब प्रीमियम क्या होता है आपको जो भी एक्सरसाइज प्राइस फ्रीज करना है उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है ये रहा आपको यहां पे यूज़ करना है कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर होम करेंसी में है नो टेंशन कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू प्रीमियम अमाउंट इंटू नंबर तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू प्रीमियम अमाउंट इंटू नंबर ऑफ लॉट्स कर दोगे तो हो जाएगा अगेन सम से कनेक्ट करना पड़ेगा तो विल बी एबल टू डू इट मच बेटर एंड फाइनली आउटफ्लो एज पर करेंसी ऑप्शन

क्या बोलता है पब्लिक आर यू क्लियर एवरी बॉडी इफ यस हो गया अपना ये येमंगस चैप्टर का सेशन भी कंप्लीट बट आपको एक काम करना है फेट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइम मिले तो कर लेना यार आप ही का फायदा हो जाएगा डेरिवेटिव्स uh, है या फिर करेंसी uh, ऑप्शन uh, वाला है वो वाला भी देखो टाइम निकाल के थोड़ा करो यार तुम्हारा भला होगा क्या बोलते हो बाकी फ्रॉम माय एंड टाइम फॉर मी टू से और 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 अभी देखो देखो ना क्या कवरेज है आ बेड रेट आस्क रेट रेट रीडिंग स्पॉट फॉरवर्ड प्रीमियम ब्रोकन डेट क्रॉस रेट्स आर्बिट्राज कवरिंग लीडिंग लैगिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी फिशर मनी मार्केट हेज टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ दिस करेंसी फ्यूचर्स करेंसी ऑप्शन एवरीथिंग डन एंड

Will be of great help. Take care as always. Keep smiling. Anything else that you want from me, let me know in the comments. Bye. Keep smiling. Bye bye. Thank you.